चलिए सब ज्वाइन हुई फटाफट। सभी लोगों को नमस्ते एक बार फिर से। तो आज हम लोग करेंगे डायमंड थ्योरी, मतलब ईएमएस थ्योरी। जो हम ईएमए का इस्तेमाल करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईएमए, इसका कंप्लीट थ्योरी अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये लगभग 2 या 3 दिन लगेगा पूरा क्लास खत्म करने में, और ये आप लोगों का लास्ट सेशन होगा। ठीक है, इसके साथ जो भी छोटा मोटा थोड़ा मोटा बचा होगा सब कवर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इसमें क्या लगाना है? सबसे पहले लगाना है आपको 4 EMA, 20, 50, 100 एंड 200। 200 का 4 लगाते हैं एक साल के चार्ट के लिए, 1 ईयर के लिए। 200 का चार्ट क्यों लगाते हैं एक साल के लिए? 100 का चार्ट क्यों लगाते हैं 6 मंथ के लिए? और 50 KMA क्यों लगाते हैं क्वार्टरली के लिए? और 20 KMA लगाते हैं मंथली के लिए। ठीक है, तो ईएमए क्यों लगाते हैं इसका लॉजिक आपको मालूम चल गया। यहां से आगे बढ़ते हैं। आप पहले यहां पर ईएमए ले आते हैं। ऑलरेडी मैंने यहां पर चार्ट सेटिंग करके रखा हुआ है, इनपुट चेंज कर लेता हूं मैं। 20 EMA, 50 EMA, 100 तो है, 200 है, कलर यहां पर चेंज कर देते हैं। मैं 50 EMA को अक्सर पिंक रखता हूं, लेकिन यहां पर तो सब एक ही दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसे रख लेते हैं, अच्छा रहेगा। डार्क ये आ गया, ये आपका 20 EMA, ये लाइन आपका 50 EMA, इस लाइन है आपका 100 EMA, और ये है 200 EMA। थोड़ा बहुत तो इसके बारे में सुना ही होगा इधर उधर कहीं से भी। जितने लोग ज्वाइन हो गए लाइक बटन दबा दीजिएगा, कुछ पुराने वाले बाकी उसको कर रहे हैं ना। तो मैं इधर आप लोगों को कुछ चीजें बताऊं इससे पहले। देखिए, ये हम क्यों सीख रहे हैं, ये आपको ट्रेडिंग में उतना काम नहीं करेगा, लेकिन नॉलेज इससे आपका बहुत गेन होगा। ठीक है, मार्केट को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाएगा, आप मार्केट को सही डायरेक्शन में देख पाओगे, सही लॉजिक के साथ आप बाजार को देख पाओगे। ठीक है भाई, चलिए डायमंड थ्योरी पहली बार सुन रहे हैं, तो जैसे आप डाउ थ्योरी सुने थे, डाउ ने चार्ल्स डाउ ने इजाद किया, डायमंड थ्योरी सॉरी डायमंड थ्योरी मेरे नाम पे इजाद होगा, समझ गए? चलो, तो हम लोग इसको देखते देखते कैसे हैं, पहले इसका कुछ नमूना आपको शेयर करता हूं। ठीक है, पहले देखने का नजरिया ही आपको बदलना पड़ेगा, मार्केट को देखने का अपना नजरिया ही आपको बदलना पड़ेगा। ये कैसे बदलेगा? जब आप देखोगे बाजार को, तो मैं पहले इससे के बारे में पूछ रहा था आप लोगों से कि आप इसमें कोई कमेंट करोगे मुझे, इस सन राइजिंग है या सनसेट है?
हाँ रात वाली सनराइज। अच्छा मैंने पिक्चर ना सनसेट है राइजिंग है। हाँ बोलो कमेंट करो फटाफट फटाफट, यूट्यूब में आओ कमेंट मारो, थोड़ा पता चले कितना आप लोग एक्टिव हो, तो मैं थोड़ा सा 10-15 कमेंट पढ़ूँ आप लोगों का। अपनी कम से कम प्रतिक्रिया तो दो, दोनों दिख रहा है अभी अपनी सोच के ऊपर है। प्रवीण सनसेट राइजिंग कुछ तो करो, एज पर क्वेट ठीक है कांट से। बिपिन दावी सर एक गोल्डन टाइम है, वाह देखो ये बंदे ने देख इतना बड़ा बड़ा ये अक्षर लिखा है ना, लोग इसको नहीं देखे, लोग ना इसको देखे जहां मैं टिक मार दी, इतना बड़ा लिखा है इसको कोई नहीं देखा कि दिस इज ए गोल्डन टाइम। बाकी लोगों को नहीं देखा, एक बंदे को दिखा अभी तक। हाँ कुछ लोगों को भी दिख रहा है कि सर सन राइजिंग है, लेकिन ये सनसेट का भी तो हो सकता है। लेकिन जो भी टाइम हो इस टाइम पे अपने चेहरे का ना मतलब अपना सेल्फी लेके देखना, बाकी टाइम से सबसे बढ़िया सेल्फी आता है पता है। बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग या सन मॉर्निंग में होता है या फिर इवनिंग में होता है, मालूम है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उस समय पिक्चर क्वालिटी बहुत हाई होता है, पिक्चर क्वालिटी सबसे अच्छा आते हैं पता है। फोटोग्राफी तो कभी किए नहीं तो कैसे पता होगा। अब बोलोगे सर फोटोग्राफी से हमको क्या लेना देना, जो जो शादीशुदा होगा उनको पता है, जो शादीशुदा नहीं होंगे उनको पता नहीं है। कभी अपने मैडम का फोटो खींच के देखिएगा, चलो तो ये हम क्या देखते हैं। देखो ये जो मैंने लिखा है कि सूरज निकलने के बाद एक लंबी वाली दिन होगी, मतलब आपको पता है ना कि अगर 6 बजे सुबह हो रहा है तो अगले 6 बजे तक शाम नहीं होने वाला है, मतलब आपको 12 घंटे का टाइम है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? अगले 12 घंटे तक कभी शाम हो सकता है क्या? नहीं। कभी अंधेरा हो सकता है क्या? नहीं। घनघोर बादल छा जाए तो हो सकता है, दिखेगा नहीं आपको, खूब तेज बरसात हो रही हो, खूब आंधी तूफान आ रहे हो और एकदम काली बादल छाई हुई आपके आप आसपास, हो सकता है उस समय आपको रोशनी थोड़ी कम दिखाई दे। और सूरज डूबने के बाद एक लंबी वाली रात होगी, मतलब पता है ना कि 6 बजे के बाद अगले सुबह 6 बजे तक 5 बजे तक जब भी, इससे पहले सुबह नहीं होने वाली। तो अगर किसी स्टॉक में अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो जब तक ट्रेंड खत्म नहीं होगा ना उसमें रिवर्सल नहीं आएगा। क्या समझे? कि जब तक ट्रेंड खत्म नहीं होगा उसमें रिवर्सल नहीं आएगा। और अगर किसी स्टॉक में डाउन ट्रेंड शुरू होगा तो जब तक डाउन ट्रेंड चलेगा मतलब जब तक उसका ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा उसमें रिवर्सल नहीं आएगा। बोथ साइड। इसलिए मैं ज्यादातर टाइम आप लोगों को बोलता हूं कि जो ट्रेड लेते हैं ना उसे आखिरी तक होल्ड करो। हम ज्यादातर आप लोगों को शेयर करते हैं कि जो ट्रेड लेते हैं आपको पता नहीं है लास्ट डे का मार्केट, किसको पता था? किसको पता था कि 900 आज मार्केट गिरने वाला है कल? कोई है जो बोल सकता है कि 900 मुझे लग रहा था गिर जाएगा? नहीं। लेकिन मार्केट कहां तक गिरा? मार्केट सुबह 9 बजे से शुरू हुआ 9:15 से और 3:15 तक कंटिन्यू गिरता रहा। यस नो? तो इसके पीछे इस चार्ट के पीछे लॉजिक साइकोलॉजी क्या है?
इस चार्ट को मैं एक बार सुबह सुबह जरूर देखता हूँ। इस चार्ट का मैं पिक्चर लगा के अपने पास रखता हूँ, सुबह सुबह एक बार जरूर इसे झांकता हूँ, फिर ट्रेडिंग में आता हूँ। इससे मुझे रोज एहसास होता है कि ना मार्केट की गहराई मैं नहीं समझ सकता हूँ, वो मार्केट की गहराई मार्केट बताएगी। तो आपको हमेशा कब ढूंढना है ट्रेड? मॉर्निंग में ढूंढना है ट्रेड। कब? मॉर्निंग में ट्रेड ढूंढना है। किसका मॉर्निंग? 9:15 बजे नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ट्रेंड की मॉर्निंग ढूंढना है। किसका किसका ढूंढना है? ट्रेंड की मॉर्निंग, ट्रेंड की मॉर्निंग। ट्रेंड की मॉर्निंग मतलब स्टार्टिंग प्राइस। क्या ढूंढना है? स्टार्टिंग प्राइस, माफ करना, स्टार्टिंग समझ लेना इसको, स्टार्टिंग प्राइस। मतलब जहां से ट्रेंड की शुरुआत हो रही है। जैसे अगर पिछले वीक का मेरा ट्रेंड देखें, आप ट्रेड देखें, तो मैंने कहां ट्रेड डाला था? 41,500 में मैंने ट्रेड डाला था। किसका? 39,000 का। ठीक है, क्योंकि 41,500 से ट्रेंड स्टार्ट हो रहा था डाउन साइड मार्केट का। अभी मैं चार्ट दिखाऊंगा, लेकिन ये तो पता होगा क्योंकि आप रिसेंटली मार्केट में हो। इसलिए अगर अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है तो अभी आपको ट्रेंड पहचानना पड़ेगा। सपोज करो आप इधर देखो चार्ट, जब यहां से बैंक निफ्टी जाने वाला था, यहां से जाने वाला था नीचे, तो हमने इधर से ट्रेड डाले यहां तक का, 39,000। क्यों? क्योंकि इसका ट्रेंड हमें क्या दिख रहा था? बाजार यहां तक तो हमें दिख रहा था, समझ में आ रहा था कि यहां तक आएगा प्राइस, इस भाव तक आ जाएगा। अब अगर मार्केट अभी यहां से जाने वाला है ऊपर, तो कहां दिखेगा? इस ट्रेंड यहां तक तो जाएगा एटलीस्ट इधर। अब वो यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, लेकिन एक मार्केट का टाइम भी तो है, हमें 4 दिन ही मौका है ट्रेड करने के लिए। मतलब फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर एक्सपायरी। एग्री कर रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? नीचे से मार्केट ट्रेंड आया, कितना मूवमेंट दिया? यहां तक। नीचे से ऊपर से मूवमेंट दिया, कहां तक? यहां तक। नीचे से मूवमेंट आया यहां तक, ऊपर से मूवमेंट दिया यहां तक, ऊपर से मूवमेंट आया यहां तक, नीचे से मूवमेंट आया यहां तक। तो आपको ट्रेड कहां ढूंढना है? ट्रेड यहां ढूंढना है। इसे कहते हैं मॉर्निंग। एक ट्रेंड की मॉर्निंग है। किसकी मॉर्निंग है? ट्रेंड की मॉर्निंग है। ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जब तक ट्रेंड खत्म नहीं होगा तब तक ट्रेड खत्म नहीं होगा। क्या समझे? जब तक, एक बात तो और बता दूं, ये बहुत बार ना ऊपर से निकल, मैं ना इसको एक एक लेक्चर में लड़कों को 5-5 बार बताता था, तब थोड़ा बहुत समझ आता था, बता रहा हूं मैं आप लोगों को, इसलिए हल्के मत लीजिएगा ना, यहां कहीं आपको रिपीट होगा ये दूसरे जगह, इसलिए वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वीडियो को बार बार देखना। जितने बार मैं अभी से बता रहा हूं आप लोगों को, इस वीडियो को जितने बार आप देखोगे उतने बार नया चीज समझोगे, जितने बार रिपीट करके देखो उतने बार यही वीडियो आपको नई चीज बता देगा। तो मैं उस लेवल की चीजें बता रहा हूं आप लोगों को। दुनिया का कोई भी चार्ट निकाल के देखना, अगर मेरे चार्ट में नहीं आएगा सो बोलोगे जो करेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। तो हमें क्या देखना है कि ट्रेंड की मॉर्निंग कहां है, और अगर ट्रेंड की इवनिंग होने वाली है तो कहां से होगा? तो वहां से ट्रेड पकड़ेंगे और ट्रेड आपके लिए क्या होगा? बड़ा हो। आप लोग एक चार्ट याद है कि नहीं, कि भूल गए? हिंडाल्को वाली चार्ट, हिंडाल्को वाली चार्ट है ना, मैं पिछले वीक एक दो वीक पहले बताया था, जब इसकी ब्रेकडाउन हुई थी तो मैंने आप लोगों को बोला था कि अभी यहां आएगा इधर, तो इसका ट्रेड किधर है? कोई कह सकता है कि इसका ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा?
अभी कंटिन्यूएशन में, और साइड ट्रेड बनाए होंगे तो अभी इसमें जैकपॉट जैसा पैसा होगा। तो ट्रेंड कहां से स्टार्ट था? ट्रेंड यहां से स्टार्ट था और अभी क्या है? कंटिन्यू है। किधर? इधर, एटलीस्ट कम से कम यहां तक। इसमें ट्रेड कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो पोजीशन कट कर सकते हैं यहां पर, या इंतजार कर सकते हैं यहां पर आने का, दोबारा एंट्री लेने का। तो हमें क्या देखना है भाई? हमेशा हमें यह देखना है कि ट्रेंड की मॉर्निंग कहां होने वाली, आपको कौन से टाइम में एंट्री करना है। आपको गोल्डन आवर्स में एंट्री करना है, गोल्डन टाइम में एंट्री करना है, जब मार्केट में टाइम, जब ट्रेंड की टाइम स्टार्ट हो रही है, वो टाइम आपको पहचानना है। पूरा फोकस किसमें करने का है? ट्रेंड की टाइमिंग पहचानने में करना है। अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा था? जो आज के लेक्चर में क्या सीखेंगे, अब के लेक्चर में जो तीन चार दिन चलेगा, इसको एक दिन भी मिस करोगे समझ में कुछ नहीं आएगा, बता रहा हूं, इसलिए मिस नहीं करना। बहुत बढ़िया, आप लोग डेढ़ महीना दो महीना सीखे हैं, दो महीना एटलीस्ट, ये ढाई महीना जाने वाला है, इसे मिसिंग नहीं करना। अभी तक ट्रेंड आप लोग क्या समझे हैं? मार्केट की प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, ऑप्शन। आज जो सीखेंगे आप, क्या सीखेंगे? मार्केट की साइकोलॉजी, ये प्राइस की साइकोलॉजी समझेंगे। किसकी साइकोलॉजी समझेंगे? मार्केट की साइकोलॉजी समझेंगे, प्राइस की बिहेवियर समझेंगे आप, ये प्राइस की साइकोलॉजी समझेंगे आप। तो जब प्राइस एक्शन में साइकोलॉजी ऐड कर लोगे आप ट्रेंड को बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर लोगे, बेहतर तरीके से ट्रेंड में आप ट्रेड कर पाओगे। पूरा मकसद क्या है? ट्रेंड को पहचानना और ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड बनाना। हमारी मकसद क्या है? ट्रेंड को पहचानना और ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करना। तो ट्रेंड को पहचानने के लिए मैंने क्या बताया आप लोगों को? कैंडलस्टिक और क्या बताया मैंने? आरएसआई। और मैंने क्या बताया है आप लोगों को? प्राइस एक्शन। ट्रेंड को पहचानने के लिए वॉल्यूम, स्मार्ट कैंडल फॉर्मेशन, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन, और उसमें ट्रेड करने के लिए मैंने क्या बताया आप लोगों को? बेहतर हमारा फोकस क्या था इसमें? ऑप्शन में। और ऑप्शन में मैंने ज्यादा फोकस किसमें किया है? स्ट्रेडल और स्प्रेड में। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है ट्रेड का, हाँ, क्रॉसओवर, करेक्ट, क्रॉसओवर। आज जो मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, ट्रेंड की साइकोलॉजी, जिसे हम ईएमएस थ्योरी कहते हैं, हम डायमंड थ्योरी कहते हैं। आगे बढ़े भाई, चलिए अब आगे आते हैं। एक पिक्चर नजर आ रहा है आप लोगों को यहां पर ना, अपने आप को लगा के देखो कैसा लगेगा। यहां पर कभी अपने आप को लगा के देखो कैसा लगेगा। मार्केट आपको हमेशा हैरान करता है। मार्केट चाहता है ना कि मुझे लोग मुंह फाड़ के देखें। आपका मुंह कैसा होना चाहिए? खुले का खुले रहना चाहिए। ओह माय गॉड, ये कैसे हो गया? मार्केट जिस दिन आपको एक करा देता है ना, ओह माय गॉड क्या हो गया, उस दिन मार्केट को बहुत खुशी मिलता है, बहुत ज्यादा। मत पूछो, मार्केट ना उस दिन झूमे रहता है। वो कब होता है पता है? मार्केट 500 पॉइंट गैप अप और 500 पॉइंट गैप डाउन, फिर देखो तमाशा ट्रेडर का। वो बेचारा ऐसा लगता है कि आंखों में मिर्च डाल दो
धूल नहीं बोल रहा हूं, मिर्च बोल रहा हूं, मिर्च। ये उनको बहुत अच्छे से पता है जो गेपअप गेपडाउन में लॉस किए रहते हैं मेरे जैसे ट्रेडर। ऐसे सकल रहता है कि नहीं? बिल्कुल ऐसी सकल रहता है जिसे मार्केट 500,000-2,000 पॉइंट गेपडाउन बन जाए। रात को बढ़िया पुलिस पोजीशन बनाए थे, पता चला सुबह सुबह साला रूस यूक्रेन पे बम छोड़ दिया यार, ले हो गए 2,500 पॉइंट नीचे गेप डाउन। मेरा 2,500 पॉइंट गेप डाउन में पोजीशन कटा था पता है आप लोगों को, 3.5 लाख, 3,80,000 का माइनस में शुरू हुआ पोजीशन। मार्केट हमेशा हैरान करता है। चलो एक पिक्चर और दिखाऊं, आप मुझे कोई इस पिक्चर में ना अच्छा चार्ट कौन सा है कौन बताएगा, कमेंट करो फटाफट, इसमें से अच्छा चार्ट कौन सा है, गुड चार्ट कौन सा है। अगर आपका आंसर सही आ गया जो अभी मैं थोड़ी देर में बोलने वाला हूं, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप ना बहुत करीब आ गए हो सफलता के। अगर आपका आंसर करेक्ट हुआ तो मैं मान लूंगा कि बहुत करीब आ गए हो आप सफलता के, और अगर आपका आंसर गलत आया तो आपको फिर से 3 महीना मेहनत करना है भाई साहब, फिर से। मैं आज क्यों बता रहा हूं पता है, आप ईमानदारी से ना सब कमेंट कर दो YouTube में ज्वाइन करके फटाफट, ये मत सोचो कि मुझे फिर से 2 महीना सीखना पड़ेगा। मैं सिखा सकता हूं, आप सीखोगे कि नहीं सीखोगे वो आपकी जिम्मेदारी, लेकिन मैं सिखाऊंगा आपको भैया, बिना सीखे जाने नहीं दूंगा। और भागने वाले को रोकता कौन है यार आज की दुनिया में, बीबी नहीं रोकती, आप चले जाओगे तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला। ईमानदारी से कमेंट मार दो और मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ आपका इशारा कर दूंगा, आप खुद समझदार हो समझ जाना। अगर आपका आंसर इसमें 2 आता है या आपका आंसर इसमें 1 आता है मुझे नहीं पता, अगर आपका आंसर गलत आता है तो फिर से आप 3 महीना तैयार हो जाना, बस आपका काम सिर्फ इतना है। आधे से ज्यादा लोग ना कमेंट ही नहीं मारेंगे, मैं बता रहा हूं 165 लोग जूम में लाइव हो और यूट्यूब में 157 लोग लाइव, हो सकता है आधा जूम में भी हो गए आधा यूट्यूब में भी हो गए, तो कुल मिला के 185 मान लेते हैं। चलो 150 लोगों का यहां पर कमेंट आना चाहिए। मैं पूछा हूं इसमें अच्छा चार्ट कौन सा है, इधर वोलेटाइल मत लिखो, मैं पूछ रहा हूं अच्छा चार्ट कौन सा है। अगर आपका आंसर 1 आता है तो मैं कहूंगा कि आपके लिए अच्छा चार्ट 1 है, अगर आपका आंसर 2 आता है तो मैं कहूंगा कि आपका आपके लिए अच्छा चार्ट 2 है। मैं बता रहा हूं ना बहुत लोगों ने आंखों बिना चेहरे में पसीना आ गया होगा, लाइक मैं दबाऊं कि नहीं दबाऊं, मैं 2 लिखूं कि ये दे, ये भाई साहब लिखे दोनों, मैं बता रहा हूं दोनों वाला आदमी ना, ये जो उत्तम कुमार दोनों लिखा है तुम बहुत बड़े होशियार हो, बता रहा हूं बहुत ही बड़े स्मार्ट आदमी हो तुम। सर कंफ्यूज करो, मैं कंफ्यूज नहीं करूं भाई साहब, आपके लिए एक अच्छा चार्ट इसमें से कौन सा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें गुड चार्ट कौन सा है, गुड चार्ट या ए है गुड चार्ट। बाद में मत करना कि सर आप सही नहीं बताए कौन सा करना, सीरियस हो जाओ भाई साहब, जिंदगी में सीरियस हो जाओ, हंसी मजाक अपने जगह रखो, सीरियस हो जाओ लाइफ में। चले आंसर करें, आंसर करो, दिल थाम के बैठ जाओ दिल थाम के बैठो मेरे दोस्त, आपका आंसर चाहे जो भी हो ठीक है, आपका आंसर चाहे जो भी हो,
लेकिन इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है, बोलो इसका जो आंसर है 1 करोड़ का सवाल है, पता है आप लोगों का 1 करोड़ का सवाल है, कौन बनेगा अच्छा चार्ट रीडर। आज का ना क्विज होना चाहिए था, मैं थोड़ा जल्दी कर दिया। आज का चार्ट है, मतलब अच्छा चार्ट है, अच्छा चार्ट है 2 या 1। तो चलो चलो यार, बहुत दिनों बाद ना, एक तो आज मैं स्टूपिड हरकत किया था सुबह सुबह, आप लोगों को पता है मैं गलत ट्रेड डाला था, मैं अपने लॉजिक के अगेंस्ट ट्रेड डाल दिया था, फिर मैंने लॉजिक के अकॉर्डिंग ट्रेड डाला, मैं 92,000 मॉर्निंग में लॉस में था, ऐसा लग रहा है कि सर पटक दूं कहीं पे, फिर मैंने फिर से प्रॉफिट में आया देखो सिंपली ये है गुड चार्ट, और इसे ना कभी सेलेक्ट मत करो, डोंट सेलेक्ट दिस चार्ट, ये आपका ना करियर खराब कर देगा ये चार्ट। मैंने सिंपल से ड्रॉ करके रखा है यहाँ पर प्राइस सेक्शन, जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये प्राइस सेक्शन तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता ही होंगे। और बिल्कुल आश्चर्य मत करना कि मेरे स्टार्टिंग में ना मुझे 2-3 साल तक समझ ही नहीं आया कि इसमें अच्छा चार्ट कौन सा है। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ आप लोगों को, मुझे स्टार्टिंग में यही नहीं समझ में आ रहा था कि इसमें अच्छा चार्ट कौन सा है। मालूम, मुझे खुद भी, अगर आप लोगों का आंसर 2 है ना, मैं बता रहा हूं ना मेरे से आगे जाओगे, यकीन मानो अगर आपका आंसर 2 आया है, यकीन मानो कि आप ना मेरे से बहुत आगे जाओगे और जल्दी जाओगे। और जिनका आंसर 1 है, जिनका आंसर 1 है, सावधानी से आगे बढ़ना, क्योंकि आपकी जो गति है ना वो 120 के ऊपर है, आपकी जो लिमिट है 120 के ऊपर है। जल्दी मंजिल मिलेगा लेकिन खतरा भी बहुत रहता है, आपकी सावधानी ना बहुत जरूरत है। तो मैं तो ना अपने जैसे लोग समझता हूं, मैं उनसे ज्यादा अटैच हो पाता हूं जो मेरे जैसे लोग हैं, थोड़ा देर में समझते हैं लेकिन सही समझते हैं, लंबे दूर तक जाते हैं, लंबे दूर की सवारी मुझे अच्छी लगती है। बस एक बार फिर से आप 3 महीना के लिए तैयार हो जाना। एक्चुअली मैं ना ये मैं आप लोगों का परीक्षा ले रहा था, शायद एहसास नहीं हुआ होगा आप लोगों को, ईमानदारी से जिनका आंसर 2 है अगले क्लास ज्वाइन कर लेना फिर से मेरे साथ अगले 40-45 लेक्चर, और जिसका पैसा तो लगेगा नहीं, लेकिन पैसे से ज्यादा कीमत किसका है पता है जिंदगी में, किसका पैसे से ज्यादा कीमत किसका है, समय की, आपकी वक्त की। तो आपका वक्त मैं जाया नहीं करूंगा, आपकी समय का मैं कदर करूंगा और आपको मैं बेहतर तरीके से सिखाऊंगा बिना पैसा लिए। और यकीन के साथ कह सकता हूं आज कि दुनिया में चाहे आप जहां चले जाओ, जो मैं आपके लिए कर सकता हूं आसानी से नहीं पाओगे। मेरे से बहुत अच्छे अच्छे लोग होंगे मार्केट में लेकिन आपको आसानी से नहीं मिलेंगे, ढूंढना पड़ेगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 1 घंटा बीतने वाला है, ठीक है, चले चलो। तो अब
एक पिक्चर और दिखाना है मुझे आप लोगों को। ये कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है बताओ। अच्छा, इसमें आप किधर जा रहे हो? आपको अच्छा कौन सा लग रहा है? ये है एक नंबर और ये है दो नंबर, कौन सा अच्छा लग रहा है? आज तो क्लास में मजा ही आ रहा होगा। अगर आपके बच्चे होंगे ना, तो आपके बच्चों को ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। इसमें अच्छा मैं बोल रहा हूं, अच्छा कौन सा लग रहा है? अच्छा कौन सा लग रहा है? एक अच्छा, कौन? वन और टू, मैं अच्छा की बात कर रहा हूं। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं टेस्ट लेने वाला हूं। क्या है? क्या भाग्येश वैष्णव, मैं टेस्ट लेने वाला हूं, डोंट वरी। गूगल फॉर्म का टेस्ट लूंगा ना मैं अभी, चिंता मत करो। अभी आप लोगों को टेस्ट फॉर्म भी जाएगा आप लोगों के पास, बट क्वेश्चन तो तैयार करने दो मुझे। तो मैंने तो ट्रिक डाला हुआ है, आपने समझ गए होंगे। ए है सेलर का, बिल्ली मौसी, बेच दो और शांति से बैठे रहो। 25% का स्टॉप लॉस डालना है, जस्ट सिंपल। और ए है बिल्ली मौसी बाई वाले। देखो, मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं कर रहा हूं ना, बिल्कुल भी इसका अन्यथा मत लीजिएगा मेरे भाई लोग, नहीं तो इसके ऊपर ना केस हो जाएगा। कोई पता चले पिक्चर ले जाके, देखो एमटेक वाले इसे करा रहे हैं। जो बायर है, मैं ऐसा नहीं, मतलब मैं कह रहा हूं कि जो बायर है उसको अपनी आंखों को इस तरीके से ट्रेडिंग तक इस तरीके से आपको रखना पड़ेगा। ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा, कि नहीं जा रहा, कि नहीं जा रहा, कि नहीं जा रहा, कि धड़ से नीचे आ गया ले। लेकिन जो सेलर है ना, उसको पता है 25% स्टॉप लॉस डाल दिया और मेरे जैसे गाड़ी में चल गया घूमने। 2 दिन से मैं नहीं हूं लाइफ में, और 2 दिन से मेरा टर्मिनल नुकसान में है क्या? बोलो आप लोग, नहीं। प्रॉफिट में है कि नहीं? और 2 दिन से मैं लाइफ में नहीं हूं दिन भर। तो जिनको लगता है कि टर्मिनल में बैठ के ही पैसा बनता है, मैं सोचता हूं गलत बोलते हो भाई साहब। आपको पता ही नहीं है ट्रेडिंग करना। पता करो कि कैसे अच्छा हो सकता है ट्रेडिंग। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बायर के पास पैसा नहीं। बायर को सिर्फ इस तरीके से चेहरे बना के रखना पड़ता है, और सेलर ने उसको पहले से पता है, यार मेरा तो प्रीमियम कुछ नहीं तो गिरेगा ना। ठीक है, चलें हम। तो अभी मैं कुछ चीजें आप लोगों को शेयर करने वाला हूं, तैयार हो जाओ डायरी पेन लेके। 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, जिनके पास डायरी पेन नहीं है डायरी पेन ले लो फटाफट। हाई एक्सपेक्टेशन
लो रिजल्ट, लो एक्सपेक्टेशन, चांस ऑफ सरप्राइज। दिस इज द बेस्ट लॉजिक ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, चलो आओ, अब आपका स्वागत है डायमंड टाइम में। पहले मैं इसका चार्ट का लॉजिक आपको समझा देता हूं। शुभम सिंह सर, जब से सेलिंग स्टार्ट किया है कुछ पैसे मिल रहे हैं, अदरवाइज ऑप्शन बाइंग में मैं 2 साल सिर्फ लॉस ही किया है। अच्छा किए कि आप जल्दी बदल गए, वरना अगले 2 साल और लॉस होता। तो राइट टाइम में राइट डिसीजन, गुड। चलो तो सर देखिए, मैंने यहां पर इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे डिटेल, लेकिन पहले समझिए, मैंने यहां पर कुछ चार्ट स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले भी लोगे तो समझ में आएगा नहीं, इसलिए वीडियो में रहेगा, झमेला करने की जरूरत नहीं। तो देखिए, हम टाइम शुरू करते हैं 1 मिनट से। तो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में बताया था, याद होगा आई थिंक, कि चार्ट को देखने का टाइमिंग क्या है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, फिर 4 आवर्स मतलब 240 मिनट, फिर डेली, वीकली एंड मंथली। ये मैंने आप लोगों को चार्ट देखने का टाइमिंग बताया था कि इसी टाइम फ्रेम में चार्ट चलते हैं, इसी टाइम फ्रेम में आपको सभी जगह चार्ट अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ टाइम और मिलते हैं, जैसे 125 मिनट का, 75 मिनट का, ठीक है। कई सॉफ्टवेयर 25 मिनट का भी चार्ट देने लगे हैं। चलिए तो हम क्या देखते हैं, देखो पहले लॉजिक को ध्यान से समझो। ये लेक्चर एक बार में समझ नहीं आएगा, पहले बोल रहा हूँ, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना पड़ेगा आपको, 100% बोल रहा हूँ, एक बार में समझ में नहीं आएगा, मुझे कई साल लगे इसे समझने में। चलिए, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 मिनट का टाइम फ्रेम मतलब जो चार्ट आप देख रहे हो वो चार्ट चार्ट वो चार्ट किसका है, चार्ट 1 मिनट का है, चार्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम का है। ठीक है, वो चार्ट किसका है, 1 मिनट टाइम फ्रेम का है। तो जो आप चार्ट देख रहे हो 1 मिनट का टाइम फ्रेम, एक्चुअली इस 1 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट को बनने में कम से कम 2.5 घंटा से लेके 1 दिन लगता है। फिर से सुनो, 1 मिनट के चार्ट को रेडी होने में, 1 मिनट के चार्ट को रेडी होने में 2.5 घंटा से 1 दिन लगता है। फिर जब चार्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तो 1 से 1.5% का टारगेट देता है। इसको कट कर देना, ठीक है, उसका जरूरत नहीं है, ये 20 साल पहले की चीज है, इसको हटा दो, ठीक है। तो ये क्या है, अगर वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो कितना, परसेंट का टारगेट देता है, 1 से 1.5%। आगे बढ़ते हैं,
इसी तरीके से 3 मिनट का टाइम फ्रेम, मतलब जो आप चार्ट देख रहे हो वो चार्ट का टाइम फ्रेम क्या है, 3 मिनट। तो 3 मिनट का चार्ट फ्रेम, 3 मिनट का जो चार्ट बनता है वो कितना दिन में बनता है, 2 से लेके 3 दिन में बनता है। 1 मिनट का चार्ट फ्रेम, 1 मिनट का टाइम फ्रेम का टाइम क्या है, कम से कम 2.5 घंटा से 1 दिन। फिर 3 मिनट का जो चार्ट होता है, 3 मिनट का जो टाइम फ्रेम में चार्ट तैयार होता है, चार्ट रेडी होता है ट्रेड देने के लिए, उसका टाइम फ्रेम, सॉरी, वो जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो कितना देता है, 3 से 4% का टारगेट देता है। कितना देता है, 3 से 4% का टारगेट देता है। अभी से आप लोगों को बोल रहा हूं इस पे कोई क्रॉस क्वेश्चन तब तक नहीं करना जब तक 4-5 दिन के से क्लास खत्म ना हो जाए। चुपचाप सुनना, इसके ऊपर अभी कोई क्वेश्चन मत करना, क्योंकि कोई आंसर मैं नहीं करूंगा, इसलिए कमेंट उमेंट भी मत करना। जब तक मैं 3 दिन 4 दिन में कोर्स खत्म करूंगा आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर बताना। तो 3 मिनट का चार्ट फ्रेम जो होता है वो 2 से 3 दिन में बनता है और 3 से 4% का टारगेट देके जाता है अगर हम उसमें ट्रेड लें तो, अगर वो ब्रेकआउट दे तब भी या ब्रेकडाउन दे तब भी। आगे बढ़ो, 5 मिनट का चार्ट जिसे मैं ग्रीन लाइन में हाईलाइट किया है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट 4 से 5 दिन में तैयार होता है और 5 से 6% का ट्रेड देता है। कितना देता है, 5 से 6% का ट्रेड देता है। रेडी होने में कितना दिन लगता है इस चार्ट को, इस चार्ट को रेडी होने में 4 से 5 दिन लगता है और जब यहां से ब्रेकआउट देता है तो 5 से 6% का टारगेट अपसाइड दे देगा, अगर नीचे जाएगा ब्रेकडाउन देगा तो 5 से 6% का नीचे की तरफ का ट्रेड दे देगा। फिर आते हैं हम लोग 10 मिनट, तो 10 मिनट को आप कट कर दो क्योंकि 10 मिनट के चार्ट फ्रेम में हम लोग ट्रेड नहीं करते, तो इसे कर दो, हटा दो। आपके मन में सवाल हो रहा होगा, आ रहा होगा, सर इसे क्यों रखे हो, क्योंकि जब मैंने सीखा था तब 10 मिनट का भी चार्ट फ्रेम में ट्रेड हम लोग करते थे। ठीक है, चलिए अब आगे मैं बढ़ता हूं। एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का चार्ट तैयार होने में 10 से 15 दिन लगता है। 15 मिनट का चार्ट फ्रेम तैयार होने में 10 से 15 डेज लगता है और फिर जब वहां से ब्रेकआउट मिलता है तो 10 से 12% का टारगेट देके जाता है। ये हिंडाल्को का चार्ट है, अभी से आपको बता रहा हूं, हिंडाल्को का चार्ट 15 मिनट या वो 1 आवर के चार्ट में ब्रेकडाउन दिया होगा, अभी बताऊंगा। लेकिन जिस समय मैं बताऊंगा हिंडाल्को के चार्ट में हम लोग जाएंगे, ठीक है? तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम 10 से 15 दिन में तैयार होता है और 10 से 12% का टारगेट देगा अगर आप उसमें ट्रेड लिए हैं बाई या सेल। आगे बढ़ो, तो जब तक ये टारगेट पूरा नहीं होगा, मैंने बताया था ना सनसेट सनराइज जो बोल रहे थे गोल्डन आवर के टाइम, तो आपको पता कैसे चलेगा कि मार्केट को जाना कितना है, आपको इस डायमंड टाइम से पता चलेगा कि मार्केट को जाना कितना है। तो आप तब तक तैयार रहेंगे, अभी आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ है, आप अपने टारगेट के लिए बैठे रहेंगे ट्रेड लेके ना, इसको नहीं लिखना, डायमंड टाइम कट कर दूं नहीं, हाँ बस वहीं तक। आगे बढ़ूं, इसी तरीके से 30 मिनट का चार्ट है, जनरली मैं इसमें भी ट्रेड नहीं करता हूं इसलिए भी इसको अवॉइड कर दीजिए। फिर मैं जो चार्ट में ट्रेड करता हूं वो करता हूं मैं 60 मिनट का।
तो 60 मिनट का टाइम फ्रेम ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम माना जाता है पोजिशनल ट्रेड करने के लिए। जो कल कोई बोल रहा था सर स्विंग और पोजिशनल का हमें स्ट्रेटजी बता दीजिएगा, बता रहा हूं। किस टाइम फ्रेम का चार्ट? 60 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। इसको बनने में भाई साहब मिनिमम 20 से 25 दिन लगता है, मिनिमम 20 से 25 दिन लगता है और मैक्सिमम 90 डेज लग सकता है। और जब स्टॉक निकालता है तो 20 से 25 परसेंट वन डायरेक्शन में ट्रेड दे देता है। मजा आ रहा है? ये बड़ा अलग ही चीज आपको समझ में आ रहा होगा गुरु। ये क्या है सर, इसको पहले बताना था, पहले बताता तो ही समझ में नहीं आता ये टाइम फ्रेम क्या है। मेरे वीडियो को अगर आप अलग अलग करके भी देखे ना, कभी इसको देख लो वो भी नहीं समझ में आएगा। सिक्वेंसली देखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। लोगों को YouTube और YouTube क्यों समझ नहीं आता है, मैंने फ्री क्यों शुरू किया पता है? क्योंकि लोगों को ना एक साथ सीरियल वाइज कोई चीजें मिल नहीं रहा था, एक साथ समझना चाहिए। अगर किसी पहली के बच्चे को आप 10th का बुक पढ़ाओगे बेचारे क्या हाल होगा, और 10th के बच्चे को पहली का पढ़ाओगे पढ़ेगा ही नहीं। तो ज्यादातर अभी कौन से लेवल के लोग हैं, वो 10th 12th और ग्रेजुएशन वाले लोग हैं। अब उसको पढ़ाते हैं क्या हम लोग? हमारे जैसे यूट्यूबर ना, बुरा नहीं मानोगे तो एक बात बोलूं, हमारे जैसे यूट्यूबर आधे से ज्यादा तो लोग ना मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, यकीन के साथ कह रहा हूं जबकि मैं उसी फील्ड में हूं। आधे से ज्यादा यूट्यूबर ना लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, कभी यहां से पकड़ के ले आए, कभी वहां से पकड़ के ले आए, कभी ये पकड़ के ले आए, कभी वो पकड़ के ले आए। ये स्ट्रेटजी 2 करोड़ का, ये स्ट्रेटजी जिंदगी बदल देगा, ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लो जिंदगी में कभी लॉस ही नहीं होगा, बस खत्म। आधे से ज्यादा यूट्यूबर लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। चलिए आते हैं हम लोग 240 मिनट मतलब 4 घंटे का ट्रेड में, क्योंकि 4 घंटे का ट्रेड होता है कमोडिटी में और कमोडिटी का ट्रेड में करता नहीं। तो इसलिए हम लोग इसको हटाते हैं। अब आते हैं हम लोग डेली वाले में। ये डेली वाले टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन इस चार्ट को बनने में 90 टू 130 डेज का कम से कम समय लगता है वन डे का चार्ट तैयार होने में। और जब ये ब्रेकआउट देता है, जब ये ब्रेकआउट देता है वनली ब्रेकआउट, इसमें ब्रेकडाउन नहीं होता है, डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकडाउन नहीं होता है ना, ध्यान रखिएगा डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकडाउन नहीं होता है, डेली टाइम फ्रेम केवल ब्रेकआउट होता है, यह वनली ब्रेकआउट होता है डेली टाइम फ्रेम। इसमें शॉर्ट नहीं है, इसमें केवल बाई है मतलब इन्वेस्टमेंट है। तो कितना टारगेट देता है? 40 से 45% बिना रुके 40 से 45% का आपको टारगेट देके जाएगा। अब आओ वीकली टाइम फ्रेम। इसको तैयार होने में कम से कम 1.5 साल, जो अभी चार्ट बन रहा है मैं बता रहा हूं स्टॉक्स के, 1.5 साल से मार्केट कहीं गया नहीं है। थोड़ा बहुत अपने आप को बाजार के साथ कोरिलेट करके देखो, फील करके देखो कि 1.5 साल में मार्केट कहां है और 1.5 साल में आप कहां हो। तो 1.5 साल में जिस तरीके से मार्केट कुछ नहीं किया है वो 1.5 साल का चार्ट है। और जब यहां से 1.5 साल का चार्ट ब्रेकआउट देगा, ओनली ब्रेकआउट, इसमें ब्रेकडाउन नहीं होता, ओनली ब्रेकआउट, वो चार्ट आपको कम से कम 2 से 3 गुना का ट्रेड देके जाएगा। कितना ट्रेड देके जाएगा?
दो से तीन गुना का ट्रेड दे के जाएगा। मैं दो से तीन गुना की बात कर रहा हूं। दो तीन परसेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दो से तीन गुना की बात कर रहा हूं। ट्रेड लेके ना 5% 10% मिल जाए, जिंदगी में आग लगा लो अपने। ट्रेड लो, ऐसा ट्रेड लो जो कम से कम 100% रिटर्न दे। ऑप्शन ही शॉर्ट करो साला, 1500 का जो जीरो हो जाए। वो कभी कभी मेरे मुंह से थोड़ा सा निकल जाता है ना, माफ करना, इंटेंशन ऐसा नहीं रहता है। ठीक है, थोड़ा उम्र का भी तकाजा है। मंथली टाइम फ्रेम, इस चार्ट को बनने में कम से कम 10-12 साल का समय लगेगा। और जब ये चार्ट तैयार हो जाएगा तो आपको कम से कम टेन टाइम का रिटर्न मिलेगा। और इसका ट्रेड अभी बता देता हूं आपको, भारतीय एयरटेल देख लेना। मैंने इसको 560 में ट्रेड दिया, नहीं सॉरी 595 मैंने ट्रेड दिया है भारतीय एयरटेल। दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्री, मैंने 760 रुपए में ट्रेड दिया रिलायंस इंडस्ट्री को। तीसरा है टाटा पावर, जिसको मैंने 56 रुपए में ट्रेड दिया था। चौथा स्टॉक है टाटा स्टील, स्प्लिट होने के बाद 80 रुपए में ट्रेड दिए थे, 1500 तक गया था। टाटा पावर 56 रुपए वाला स्टॉक 300 तक गया था। रिलायंस इंडस्ट्री 700 वाला स्टॉक 2800 तक गया है। बात करते करते भाई साहब, इसका मैंने वीडियो अपलोड किया है 4 साल पहले, यूट्यूब में कभी जाके देखिएगा। टाटा पावर्स, रिलायंस इंडस्ट्री, भारती एयरटेल, अभी ऐसे स्टॉक आपको ढूंढ, मतलब ये स्टॉक जो देंगे क्या देंगे, मल्टीबैगर स्टॉक देंगे। ये क्या देंगे, स्विंग के ट्रेड देंगे, सॉरी ये वाली और ये वाली। इधर क्या देंगे, पोजिशनल ट्रेड दे देंगे, पोजिशन या स्विंग दोनों कर सकते हो इसको, और इसको भी पोजिशन और स्विंग कर सकते हो। स्विंग 4 दिन 5 दिन, और पोजिशनल महीना 2 महीना 6 महीना में चले जाता है। तो मंथली और वीकली चार्ट हम लोग देखेंगे, उसमें क्या निकालेंगे, मल्टीवैगर चार्ट निकालेंगे, मल्टीवैगर स्टॉक्स निकालेंगे। अभी बहुत सारे चार्ट आ रहे हैं इसमें, एक तो आ रहे हैं सेल, अभी से बता रहा हूं आप लोगों को, सेल, पीएफसी, आरसीएफ, ये सारे स्टॉक इसी चार्ट फ्रेम में है। जब हम चार्ट डिटेल बात करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा इजी समझ में आएगा। फिर बड़े बड़े मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का स्टॉक आपको ट्रेड मिलेंगे इस पे। आज के लेक्चर में ही तक, मैं इस लेक्चर को एक एक घंटा का करना चाहूंगा ताकि थोड़ा समय कम रहे तो सब लोग पूरा वीडियो देख पाए। और आज मैं ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं लूंगा, बट 2-4 लोगों से बात कर लेते हैं, कोई और बात हो तो। चलिए पढ़ाइए, पहले तो 1+7 मैं आपका क्वेश्चन इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि आपका नाम ठीक नहीं है, पहले तो नाम ठीक कर लो, आपने फुलफिल करते ही नहीं हो। और किसी को हैंडराइज करना है, हैंडराइज करो, अपना नाम ठीक से लिख के आओ, शर्म करो, 1+7 लिखो, शर्म करो यार, थोड़ा सा मेरे से बात कर लो आप, कम से कम नाम तो लिख लो यार। चलो अरुण शर्मा बोलो जी, फटाफट 2-4 लोगों से बात करेंगे। गुड इवनिंग सर, नमस्कार। सर मैं ये पूछ रहा था जो नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट होंगी वो कब होगी? नेक्स्ट क्लास अभी स्टार्ट नहीं होगा, पहले ये जो क्लास है इसका रिवीजन चलेगा। ओके, तो उसमें ज्वाइन होना, मतलब वो नेक्स्ट क्लासिकल आएगा लेकिन वो रिवीजन बैच होगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ बोलो रणधीर, तुम आज की स्ट्रगल को छोड़ के दूसरा सवाल बोल सकते हो।
वही सवाल। अरे फिर उसमें सवाल क्या करना है, स्टटर डाले थे, स्टॉपस लग गया, नथिंग और क्या। नहीं सर, बस यही पूछ रहा था, कुछ गलती तो नहीं हुआ ना, सबका लगा होगा उसमें तो आज। अरे हमारा खुद लगा, हमने दोबारा ट्रेड डाले और मैं बताया हूं जब स्टॉपस लग जाए तो दूसरा ट्रेड डालो नेक्स्ट एक्सपायरी का। लाइव का यही तो मजा है, लाइव का मजा क्या है कि लाइव में मैं इमीडिएट डिसीजन लेके दूसरा ट्रेड बना देता हूं। ठीक है चलो, अच्छा 245 वाला सर, वो भी स्टॉप लॉस हिट हुआ ना टू सर, फोर्टी वो भी लॉस में आया आज। 245 की स्टॉप लॉस लगा होगा, पता नहीं, स्ट्रैंगल मैं तो स्टॉप लॉस 245 लेना, में था लॉस नहीं में आज तो आया। मुझे नहीं मालूम। अच्छा कोई सर, कोई बात नहीं, थैंक यू सर, ठीक थैंक है यू सो मच। हाँ ओके। बोलो प्रवीण। अब जो है ना, जो पुराने लड़के हैं, मैं बहुत डिसिप्लिन में जो रहेंगे हम उन्हीं से बात करेंगे, है ना। प्रवीण कहाँ चला गया, गायब हो गया। बोलो क्या नाम है, दीपक, बोलो बोलो, प्रकट हो जाओ जल्दी। हाँ सर, हेलो सर। नमस्कार, बोलिए। हाँ नमस्ते सर, ये डाउट ये था कि एक्चुअली डाउट तो कुछ नहीं था, मतलब मुझे मेल आया था आपका क्लास ज्वाइन करने के लिए, हाँ तो उसमें ना आईडी और ईमेल आईडी वगैरह मांगा जा रहा, तो मेरे तो अभी मैंने आज ही जीरोधा का आपके लिंक से हाँ अकाउंट तो जिस नंबर बनाया। में आपने अकाउंट ओपन किया है मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर दे दो ताकि मुझे कंफर्मेशन हो। अच्छा बस ठीक है, वही क्योंकि आईडी अभी कल आएगा मेरा, ना, हाँ तो 72 कोई अंडे बात का नहीं ना, आएगा। उसमें मेंशन कर दो ना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में भी मेरा काम चल जाएगा। ओके ओके सर, बस हाँ यही रखूंगा। ओके। हाँ बोलो दुष्यंत जी, आपका गुड डायनेमिक का इवनिंग, गुड कुछ इवनिंग क्लास सर। बाकी है, मैं कर दूंगा, आगे बोलिए। हाँ नहीं सर, मैं केवल एक चीज पूछना चाह रहा था कि जो ये हमारा थर्सडे और फ्राइडे का जो 245 वाला है, उसमें भी हमको 25% का ऐसा लेके ही चलना पड़ता है ना, कैसे बोले, फिर से बोलो। जो हम 230 और 245 के बीच में स्ट्रेडल बनाते हैं थर्सडे फ्राइडे को, उसमें भी हमारे 25% का ही सर ऐसा रहता है। 25% स्टॉप लॉस मैंडेटरी है हाँ सर, ऑलवेज, जब कोई ना बोले या मैं गलती से कभी ना बोलूँ, मान लो कि कल लाइव में आ जाते हो और मैं गलती से ना बोलूँ, तब भी आपके लिए मैंडेटरी है 25% के स्टॉप लॉस। अच्छा वही मैं बस एक बार रिकन्फर्म करूँ कि मैं थोड़ा सा डाउट जैसे था। जीने के लिए सांस, जैसे जीने के लिए हवा की जरूरत है, बिना हवा आप जी नहीं सकते, वैसे ट्रेडिंग के लिए 25% स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। गॉट इट सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। हाँ, नेवर फॉरगेट दिस। हाँ नहीं समझ गया मैं सर, थैंक ठीक यू। है, ओके थैंक यू। बोले सचिंदा, हाँ प्रणाम सर नमस्ते डियर, नमस्ते, जल्दी शॉर्ट में। जी सर, हम कह रहे हैं सर कि आपका आशीर्वाद लेने के लिए सर मतलब आपके सामने आए सर, कि अगले 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 सप्ताह से ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं सर। जरूर जरूर जरूर, दोनों जीरोधा में अकाउंट आज मैंने ओपन किया है, ठीक है। और स्टॉक में 6 महीना पहले ही करके रखा है, बट ट्रेड उसमें नहीं हाँ किया है। पता है मेरे को, कोई करता नहीं उसका, जी ठीक है। तो अपना आशीर्वाद दे दीजिए सर, गुरु का आशीर्वाद अरे बहुत जरूरी है सर। यार देखो, पहली बात ना, मुझे कुछ मतलब मुझे ट्रेडिंग से एक अनुभव है, वो मैं शेयर करता हूँ। मुझे जी इतना बड़ा मत बनाओ कि मैं वो करूँ, लेकिन ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा है और आगे भी बना रहेगा, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू आशीर्वाद तो सर। मुझे आप लोगों से मिलता है, या दुआएं मुझे आप लोगों से मिलता है, आशीर्वाद देने के लायक नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू शुक्रिया सर। जी, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। बोलो प्रवीण। हेलो सर, थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी बात जी करने के बिल्कुल, लिए। मेरा एक क्वेश्चन था सर, मैं कई दिन से सोचा कनेक्ट करूँ सर, ये सिलिकॉन वैली बैंक डूबने के बाद मैं स्टॉक्स का क्या करूँ, मतलब पोजीशन निकाल देना चाहिए हमें या रखना सिलिकॉन चाहिए। वैली बैंक में तुम्हारा पोजीशन है? नहीं, मतलब और जो बैंक्स के लिए हमने इंडिया में जो इंडियन बैंक मैं कह एसबीआई रहा हूं, अगला जो फिनेंशियल क्राइसिस आएगा वो जेरोम पावेल के कारण आएगा, और जेरोम पावेल का सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज होने वाला है आने वाले सदी में, दशक में। सबसे ब्लंडर अगर कोई दुनिया में डिसीजन ले सकता है तो है जेरोम पावेल। उसका एक ही मकसद है, इतने बड़े पोस्ट में आने के बाद भी अगर कोई बंदा बोलता है कि दुनिया जाए भाड़ में तेल लेने, मुझे महंगाई कम करना है, तो लो अभी एक बैंक डूबा है, दो बैंक डूबा है, आने वाले दिनों में भी और बैंक डूब सकते हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, हमारा इंडियन बैंकों की जो कंडीशन है बहुत बेहतर है अमेरिकन से, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ अगर ऊपर हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाए अब मत करो, क्योंकि हमने बुक किया, अगर आप नहीं कर पाए तो अभी मत करो, जैसा है ए डिजिट होल्ड करो, अपना पोजिशन कभी भी चेंज मत करो,
खत्म। थैंक यू सर। बोलो जिग्नेश। और सर मेरा एक क्वेश्चन है, वो जो थर्सडे और फ्राइडे को जो हम स्ट्रैंगल बनाते हैं 245 को, सर उसमें मैं पहले 75 और 80 के बीच का प्रीमियम सेल करता था ना, तो मेरे को प्रीमियम मिला, मतलब प्रॉफिट मिलता था, पर अभी लास्ट थर्सडे और फ्राइडे भी नहीं मिला और आज भी दोनों में ऐसे लेट हो गया, तो सर उसमें 100 से मतलब 80 से ऊपर का प्रीमियम बेचने में कोई दिक्कत है? नहीं नहीं नहीं, 75 ही प्रीमियम सबसे बेस्ट, क्योंकि आज दोनों में सर ऐसे रेट हो गया। हाँ थोड़ा वोलेटाइल था ना, अगर आज रहते या जैसे इसीलिए बोलता हूँ लाइव में रहते तो आप उसको करते ही नहीं, क्योंकि मुझे मैं दोपहर में बता दिया था आज की क्लोजिंग डोजी जैसा होगा, इसलिए सुबह का ट्रेड डाल दियो, शांति से बैठो, दूसरा ट्रेड मत डालो। मेरे सुबह का पोजीशन लिसन, मेरे सुबह का पोजीशन 1 लाख का प्रॉफिट था, स्क्रीनशॉट देखा था आप लोगों ने? हाँ सर हाँ, जब वो जब नीचे आया था तब मेरा प्रॉफिट कहाँ आ गया था? 40,000 आ गया, फिर वापस चला, हाँ फिर वापस कहाँ चला गया? फिर एक ऊपर चला गया था, फिर नीचे आया 70। जब प्रॉफिट इतना ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है तो टर्मिनल वोलेटाइल नहीं होगा? हाँ होगा सर, तो इसीलिए ऐसा था। ऐसे दिन पहचानना पड़ता है, वो अनुभव से पता चलता है, कोई पहले नहीं बता सकता उसको। आप लोगों ने सर नहीं बनाया था आज राइट? हमने कुछ नहीं बनाया, हम तो ऐसे पड़े थे, मैं तो था ही नहीं ना आज, लाइव में ही नहीं था मैं। ओके सर, ओके ठीक, ओके थैंक यू। बोलो नवीन। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए सर। एक 9:30 का स्पीड है जो हम रोज ही करते हैं स्टैंडर्ड, तो मैं एक थोड़ा सा कंफ्यूज था कि वैसे तो स्टडल का मतलब है कि सेम एटीएम प्राइस को आपको सेल और बाय दोनों का मतलब सॉरी कोई भी स्टडल का मतलब ये है कि कोई भी एक स्टाइक को बेचना स्टडल कहलाता है। एटीएम का हम लोग बेचते हैं इसलिए हम एटीएम को बोलते हैं। बोलो। लेकिन सर अभी ना मैं कल के प्रीमियम्स देख रहा था, तो प्रीमियम्स में ना बहुत ज्यादा वेरियंस है कल के वाले में फ्राइडे के लिए। मतलब अगर मैं पुट की बात करूं तो 336 का है 39,100 का, और कॉल का डोंट वरी सुबह सुबह एडजस्ट हो जाएगा। ओके सर, मैं समझ गया क्या बोलना चाह रहे हैं, सुबह सुबह एडजस्ट हो जाएगा। किंगडम ऐसा तो नहीं है ना कि हमें प्राइस मैच, नथिंग नथिंग। ओके थैंक यू। बोलो जहा क्या प्रॉब्लम है भैया? सर ये कल सर प्लेज के लिए दिए थे सर, तो अभी तक प्लेज नहीं हुआ है अमाउंट। अरे भाई साहब पहले प्लेज का लिसन, पहले प्लेज का रिक्वेस्ट डालो, 3 बजे से पहले रिक्वेस्ट डालो, 5 बजे से पहले आपके मोबाइल में या आपके ईमेल आईडी में कंफर्मेशन आ जाता है, फिर उसे कंफर्म करो, ओटीपी आएगा, पेन नंबर डालो, ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करो। ओटीपी सर दोपहर में आया, ओटीपी दोपहर में आएगा, ओटीपी आया है सर। अरे ओटीपी जब कंफर्म करोगे तब आएगा मेरे भाई। मैं पहले एक पहली बात ना, मेरे बात सुनो। हाँ तो पहले मेरे बात सुनो जी सर, बीच में बोलना मत, बीच में बोलना मत जब तक मैं नहीं बोलूंगा। तो प्लेस का तरीका क्या है, प्लेस का तरीका है कि आप 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक, 4 बजे तक आप रिक्वेस्ट डालो, ठीक है प्लेस का जी सर। फिर आपके पास मोबाइल में या फिर आपके ईमेल आईडी में एक कंफर्मेशन आएगा, कंफर्मेशन आएगा, कंफर्मेशन को क्लिक करना, लिंक को क्लिक करना, CDSL से या NSDL से आएगा जिसमें आपका अकाउंट है, ठीक है। जब आप कंफर्मेशन डालेंगे, कंफर्मेशन को ऑन करेंगे, फिर वहां पर बोलेगा पेन नंबर डालो या मतलब क्लाइंट आईडी डालो, मतलब अपना डीमेट आईडी, तो पेन नंबर डालते हम लोग, पेन नंबर डालोगे तो पेन नंबर डालोगे, फिर ओटीपी जनरेट होगा जिसको आप सेलेक्ट किए हो, मतलब जो आपने प्लेस के लिए डाला है वो इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 जितना भी स्टार, उसको सेलेक्ट करो, ऑल सेलेक्ट, पेन नंबर डाल दिया, फिर ओटीपी जनरेट करने का ऑप्शन आएगा, ओटीपी जनरेट करोगे तो ओटीपी 1-1.5 सेकेंड में आ जाता है, 15 सेकेंड के बाद ओटीपी फाल्स हो जाएगा, दोबारा फिर करना पड़ेगा ही प्रोसेस, फिर से कंफर्मेशन को क्लिक करके फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ओटीपी डालोगे फिर वहां पर एक डिस्प्ले होगा, पॉपअप बॉक्स ओपन होगा कि योर प्लेज रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। हुआ क्या था सर? मैं फिर बोला ना बीच में बोलना मत। जी 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 समझ गए सर। फिर यहाँ पर आपका कंफर्मेशन आएगा कि योर प्लेज रिक्वेस्ट कंफर्म एक्सेप्टेड, तब आपका कंफर्म होगा। अब बोलो ये पूरा प्रोसेस फॉलो किया सर? हुआ था क्या कि सर कल रात में हम कर दिए, कल फिर से करो, सवाल नहीं करो।
कल रात में कर दिए थे अरे सर, मैं बोल रहा हूँ कल फिर ट्रेडिंग से करो पेंडिंग भैया, बता मार्केट आर में करना कल। नहीं बाद में सर, बाद में करते थे तो पेंडिंग बता रहा था, फिर अरे उसको मैं फिर बोला ना, ये एक तो आपको ना एक बात में कोई बात समझ नहीं आता है, मैं बोला कल फिर से करना। फिर से कर रहे हैं सर तो पेंडिंग बता रहा है। चलो इनसे बातें करना बेकार है, जब आपको ही नहीं पता है तो ट्रेडिंग क्या करोगे, खाक करोगे ट्रेडिंग? इनका ना मत करना लाइव में, ठीक है? झा जी को नोट करो, इनको लाइव नहीं लाना। आप लाइव ज्वाइन नहीं करना भाई साहब, आपको ट्रेड नहीं करा पाएंगे। आपको यही बात समझ नहीं आता है? बोलो श्याम सुंदर। नमस्ते सर जी। मैं बता रहा हूँ ना, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, गधे घोड़ों को ना मेरे को शामिल नहीं करना है, मुझे चाहिए स्मार्ट बंदे जो बात सुनता है और समझता है। एक ही बार को अगर बार बार समझ नहीं आता है ना तो मैं ट्रेडिंग में नहीं करूंगा, मैं ऐसे लोगों को ट्रेड नहीं करा सकता। भीड़ नहीं बढ़ाना है मेरे को, मेरे को ट्रेडर बनाना है। अब बोलो मत, माइक ऑफ कर दिया हूं, बोल नहीं पाओगे कुछ। बोलो श्याम सुंदर। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर, आपके लिए कुछ बात करना था हमको। आवाज आ रही है क्या? हाँ बोलो 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 सर। कल आपने लमसम में 11:15 तक लाइव किया, उसके बाद से सिस्टम बंद किया होगा, खाना खाया होगा, कब सोया होगा, फिर आप बोले थे 8:30 तक मैं सिस्टम में बैठ जाता हूँ, लोगों को अपडेट देता हूँ। तो आपका हेल्थ के लिए सर हमको, मैं सबसे बोलना चाहता हूँ कि लोग दुआ करें ताकि आप सही रहेंगे तो हम लोग सीखेंगे सर। पहले तो शुक्रिया, ठीक है, लेकिन मैं अपना दिनचर्या आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है? पहले आपको थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ स्पॉट लाइट करके। पहले तो मेरे बारे में सोचिए, इसके लिए थैंक यू। लेकिन मेरा शेड्यूल क्या है, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, ठीक है? मेरा एक बड़ी बेबी है जो 7 साल की है, सुबह स्कूल जाती है, ठीक है? और एक छोटा बच्चा है 2 साल का 2.5 साल का, वो परेशान करता है। तो या तो मैं टिफिन बनाता हूँ या फिर मैं बच्चा पकड़ता हूँ, ठीक है? सुबह का अपना दिनचर्या बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक? आश्चर्य बड़ा होगा आप लोगों को, या तो मैं टिफिन बनाता हूँ या फिर मैं बच्चा पकड़ता हूँ। तो जनरली मैं टिफिन ही बनाता हूँ क्योंकि सुबह सुबह ना बच्चा नहीं रहता मेरे पास। तो फिर मैं 7 बजे बेबी को छोड़ता हूँ, 7:30 बजे, इसके बाद मैं जाता हूँ वॉकिंग में, वहाँ से वापस आता हूँ 8 बजे। 8 बजे तक मेरा भाई है इधर, ये लिंक शेयर कर देता, जब मैं नहीं रहता तो मैं लिंक शेयर करता हूँ। मैं 30 मिनट में तैयार हो जाता हूँ भगवान को पूजा पाठ करके, ठीक है? बड़ा पंडित जैसा पूजा पाठ करके, घंटी उंटी बजा के, दीपक को जला के, ठीक है? और मैं थोड़ा मतलब आस्तिक टाइप का हूँ, मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, जो कुछ है मेरा उसी के बदौलत है, ठीक है? अभी कभी इसके बारे में भी बात करूंगा। मैं 9:10 में स्क्रीन में बैठ जाता हूँ, 9:10 में स्क्रीन बैठता हूँ, जो ट्रेड डालना है लगभग 10:30 तक मेरा ट्रेड हो जाता है मोस्टली, जो पोजीशन बनाना है बन जाता है, फिर मैं ट्रेड को छोड़ता हूँ ज़्यादातर। और अगर मेरा भाई नहीं रहता है तो मैं स्क्रीन में रहता हूँ, नहीं तो मैं कहीं गाड़ी में जरूर जाता हूँ घूमने के लिए, ठीक है? इस रुक को पहले खत्म करने दो, फिर मैं ना इसी समय नाश्ता उश्ता कर लिए, जो भी बना के मुझे जो मिल जाता है तो मैं नाश्ता उश्ता कर लिया, इसके बाद 3:30 बजे हम ट्रेड क्लोज करते हैं। फिर मैं 10-15 मिनट नोट्स बनाता हूँ अपना, जो भी ट्रेडिंग का जर्नल्स लिखता हूँ। 4:15 बजे आसपास मैं खाना खाता हूँ, 4:15 बजे आसपास खाना खा लेता हूँ। तो इसके बाद क्या करते हैं, फिर मैं यहाँ पर 2 घंटा चले जाता हूँ घूमने के लिए, 2 घंटा फिर घूमने चले जाता हूँ। 6 बजे वीडियो बनाता हूँ, 6 बजे वीडियो बनाता हूँ, तो लगभग मेरा वीडियो बनाने तक 8 बज जाता है। आज तो कभी जैसे मम्मी को लेके जाना था तो मेरा डिले हो गया 8 बजे, तो 8 बजे तक फिर आप लोगों का थंबनेल वगैरह बना के एडिट वगैरह मुझे ही करना होता है, फिर मैं पोस्ट करता हूँ। 9 बजे आपके आपके साथ क्लास में जाता हूँ, लगभग 10:30-11 बजे तक मैं आपके साथ क्लास में रहता हूँ, फिर मैं थोड़ा टीवी देखता हूँ और सो जाता हूँ, शाम को खाना नहीं खाता, फिर सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। ये सैटरडे, ये मंडे टू फ्राइडे है, सैटरडे संडे को भी रूटीन इसी रहता है, लेकिन दिन में थोड़ा फ्री हो जाता हूँ तो कभी फैमिली के साथ घूमने चला गया, बच्चों के साथ घूमने चला गया, या जब लीव रहता है तब मैं घूमने चला गया, ठीक है? तो ऐसा मेरा दिनचर्या है एवरीडे का। तो मैं सुबह शाम अपने लिए समय निकाल लेता हूँ, वॉकिंग वॉकिंग करता हूँ, थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, एक दो किलोमीटर चलता हूँ। सैटरडे संडे को थोड़ा मैं ज़्यादा जाता हूँ, 5-6 किलोमीटर वॉकिंग करने जाता हूँ, और थोड़ा सा जिम उम कर, मतलब अपने हिसाब से मैं अपने सोसाइटी में लगा लिया हूँ, थोड़ा इधर उधर हाथ पैर मार लेते हैं, ठीक है? अपना सेहत का ख्याल रखे रहता हूँ अपने तरफ से, लेकिन दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है, तो आप लोगों की दुआएं हमेशा रहेगी तो स्वस्थ ही रहेंगे और आप सब लोग भी स्वस्थ रहोगे। थैंक यू मेरे बारे में सोचने के लिए। सर हम तो बहुत दिल से दुआ दे रहे हैं, 3 महीने से आपको लाइव पे चल रहा है, आगे भी देना पड़ेगा। 2018 के पहले मैं 4-5 लाख रुपया लॉस किया है सर,
और तब से अभी तक ट्रेड नहीं किया हूँ, अरे वाह, खाली वीडियो देखता हूँ सर। ओके वेरी गुड, और चलो आप कहना सर नेक्स्ट क्लास भी मैं ज्वाइन में रहूंगा। और एक हैरान करने वाली बात और बोले सर कि आप टिफिन बनाते हैं सर, हां इतना करने के बाद भी आप तो परिवार है ना, उसको तो करना पड़ेगा ना भाई, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा परिवार में, फिर कैसे चलेगा यार इतना करने के बाद। मैं बोलता हूँ जो भी करो, इंसान हो ना जी, आपके बच्चे हैं ना, आपके परिवार है ना, अगर मैं अभी टिफिन बच्चों के लिए ना करूँ तो कल के दिन में बच्चे मेरे लिए उल्लो एहसास तो होना चाहिए ना यार, उनको एहसास तो होना चाहिए ना। मेरे घर मेरा भतीजा भी रहता तो मैं दोनों के लिए टिफिन बनाता हूँ, मेरे कजन के लिए बनाता हूँ और अपने लिए मतलब बेबी के लिए बनाता हूँ, फिर उनको छोड़ने भी जाता हूँ, और मैं कभी कभी जानबूझ के उनका स्कूल बस छोड़ा देता हूँ ताकि मैं छोड़ने जाता हूँ स्कूल उनका मैं जानबूझ के डिले करा देता हूँ, स्कूल छूट जाता है फिर मैं उसके स्कूल छोड़ने जाता हूँ बच्चों से। एक तो मेरे पास समय कम है ना, तो कम से कम अपनी जो है वो तो कर पाऊँ यार, ठीक है इससे ज्यादा क्या हो पाता है, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा अटैच करने की कोशिश सर इसके लिए आपको सैल्यूट। कल भी मैं सैल्यूट मार रहा था और अरे लास्ट में आपको सैल्यूट किया तो सर आप ध्यान नहीं दिए होंगे। हाँ शुक्रिया, थैंक यू डियर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। बोलो रजनीश सर। नमस्कार। नमस्ते सर, मैं तीन दिन से अभी ट्रेड बना रहा हूँ, डेली प्रॉफिट में आई थिंक 4000 वो जो आपका बुलिश और बेयरिश का दो दिन बना है, तीन दिन बना है, तो मैं स्प्रेड बना के प्रॉफिट ही ले रहा हूँ, 15,000 का प्रॉफिट हुआ तीन दिन में, बट मैं एक ही लॉट में कर रहा हूँ अभी, मतलब मुझे लगा 30,000 या 40,000 ही लगते हैं, 40,000 लगते हैं 40-48 ऐसे, बट मुझे ये पूछना है सर, एक छोटा सा डाउट है, जब भी मैं ट्रेड मार्केट पे कर रहा हूँ सेंसिबल से करता हूँ मैं, तो सेंसिबल में क्या हो रहा है सर कि वो बाई हो जा रहा है, उसके लिए सेल के लिए मुझे बार बार अलग से ऑर्डर लगाना पड़ रहा है लिमिट करके। एक काम करो क्या बाई पहले हो जा रहा है? हाँ सर, बाई पहले हो जा रहा है, सेल मुझे बाद में करना पड़ रहा है। फिर से बोलो सवाल, फिर से बोलो क्या बोल रहे थे? सर मैं स्ट्रेट बना रहा हूँ तो बाई एक्चुअली मैंने हम लोग हेज करने के लिए करते हैं, एग्जैक्टली मैं लोग सेल करते हैं, तो बाई हमारा पहले हो जा रहा है सेंसिबल से, फिर बाद में जाके मुझे सेल ऑर्डर लगाना पड़ता है। सेल वाला नहीं लग रहा है? नहीं सेल वाला पहले नहीं लग रहा है, वही तो मैं कंफ्यूज हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? ये दो दिन से हो रहा है सर, पहला दिन मार्केट ऑर्डर पकड़ लिया, दो दिन से लगातार हो रहा है, और आज मैंने तो उसमें भी ट्राई किया सर, जीरोधा में जाके बास्केट ऑर्डर लगाया। नहीं इसमें तो हमेशा होता है, पहले बाय ही होता है, भले मैं सेल पहले क्यों नहीं होता, पहले बाय फिर सेल होता है। हां सर, तो बाय तो हो रहा है, पहले बाय तो इनको दोबारा ऑर्डर डालना पड़े, उसी ऑर्डर में नहीं हो रहा है, कर रहे हैं उसी ऑर्डर में नहीं हो रहा है ना? नहीं उसी ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में नहीं होता, मुझे फिर दोबारा करके उसको लिमिट करना पड़ा, और लिमिट में अब जो भी लिमिट आ जाए उस पे मैं तुरंत कर देता हूं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं भी सर मैं एक बार कल और ट्राई करूंगा, फिर से देखता हूं, करके देखो जरा, हां क्योंकि मैं तो रोज करता हूँ ना, तो मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मुझे समझ नहीं आया। ओके ओके ओके, कोई नहीं सर मैं करता हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हो ना? हाँ हाँ मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। और स्ट्राइक प्राइस क्या रखते हो, राउंड फिगर वाला कर दो ना, जैसे 45 हाँ सर, 17,000 ही, मतलब 200-100 मतलब जो भी आप बनाते हो वही बनाता हूँ, सेम है। एक बार ट्राई करो, ऐसे होना नहीं चाहिए यार, क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता नहीं, तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या आंसर करूँ इसका कोई नहीं, मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, मे बी कुछ अलग से हो सकता है। ठीक है ठीक। और उसके लिए कहना था सर, अगर आपको शेफ की जरूरत हो तो सर मैं प्रोफेशनल सुपर शेफ हूँ मैं। अरे यार मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ नहीं डियर, हाँ मुझे सिखा देना जरूर, कभी आऊँ तो है जी जी सर, आप अपने घर किसी को नहीं इनवाइट करते हैं, इन द सेंस मतलब सिटी में, आप कहाँ से, तो मुझे पता भी नहीं। मैं प्रॉपर छत्तीसगढ़ रायपुर का हूँ। ओके रायपुर, जी जी जी, आप कहाँ से हो? सर मैं यूपी लखनऊ। तो लखनऊ आ जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है शुक्रिया, थैंक यू। ओके थैंक यू रजनीश। हाँ जी बोलो आशीष, आशीष बोलो, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो, माइक, अरे माइक ऑन करो भाई। वरुण वरुण माइक ऑन करो, हाँ बोलो बोलो। सर मेरे पास जो होल्डिंग था मैं सब बेच गया सर, दिमाग एक्सेप्ट हो गया था, मतलब कुछ घाटा हो रहा था सर मतलब वही गलत सलत ले लिए थे सर आपसे। हाँ तो ठीक है ना, हमेशा गिरावट मार्केट में खराब स्टॉक को निकालो, अपॉर्चुनिटी वाले स्टॉक को पकड़ लो, खत्म।
कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो मैं वही सोच रहा था कि मतलब मेरे पास करीबन 3-3.5 लाख का है सर, तो सोच रहा हूँ उसके ETF लेके उसको पहले पहले तो ETF में इन्वेस्टमेंट करो, अभी स्टॉक छोड़ो, मैं स्टॉक बता दूंगा आपको, समझ में आ जाएगा। अभी 4-5 दिन क्लास खत्म होने दो, सब समझ में आ जाएगा। नहीं वही मैं सोचता कि ETF पहले ले ले लेता हूँ, उसको प्लेस कर देता हूँ। हाँ ETF लो है ना सर। हाँ ETF, हालांकि सर झूठ क्या बोले सर, आपसे स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल का वीडियो मैं आपको 2021 में देखा था, उस समय आप लगातार करने लगा था। हाँ, हाँ, तो मेरे को प्रॉफिट भी आ रहा था सर। हाँ, लेकिन क्या कहें, बीच में लॉस होने लगा, फिर छोड़ दिया। हाँ, वो आज पछतावा हो रहा है। हाँ, हाँ, और लास्ट में वही रामबाण हो रहा है, समझिए कि दूसरा ऑप्शन ही नहीं। वही 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 सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे जो ऋषिकेश आप गए सर, उसके बाद वो फ्री वाले किए ना सर, मेरे को लगा की कोई सिखाने लायक बंदा मिल जाए सर। दिल से थैंक्स कहता हूँ सर आपको। शुक्रिया 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 ये सर मिले ना कि आपके लिए कुछ नया नया साल में करना चाह रहे हैं जी। तो मैं आपका वीडियो कर रेगुलर फॉलो करता हूँ सर, एक बार आपसे मिलने की इच्छा है, बस मुलाकात है। हालांकि मैं MP का ही हूँ सर, आपसे कहाँ से हूँ? MP कहाँ? MP कहाँ? MP कटनी सर, कटनी। अच्छा कटनी, ठीक है बिल्कुल आओ, कटनी जबलपुर में कभी आओ सर, मुलाकात करेंगे। आपकी भाषा और मेरी भाषा लगभग मिलती जुलती है सर, कि मोह राम भक्त है। हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। वही मैं सलाह, अच्छा सुनिए सर थोड़ा एक बात भी सुनना चाहते हैं। हाँ। मेरे पास जीरोधा का ऑलरेडी अकाउंट है आपसे, लेकिन 50% डिस्काउंट चाह रहा हूँ सर, कैसे होगा सर? तो आपका अकाउंट है, अब स्टॉक किसी को खोल दो ना घर में। अच्छा मिसेज को कॉन्फ्रेंस किया हूँ कि कल तुम्हारा खोलता हूँ। अरे यार उनसे पूछने क्या जरूरत है, खोलो खत्म करो खोल के फिर मैं। हालांकि आज स्वाति मैडम से बात हुआ सर। हाँ स्वाति मैडम से आज बात हुआ था, ठीक है ना, ठीक खोल, तो खोल के फिर सर लाइव आप सर रहता हूँ। हालांकि मैं जॉब पर्सन आदमी हूँ सर। हाँ लेकिन जल्दी चाहिए मुझे, कल इवनिंग तक चाहिए, नहीं तो नहीं मिलेगा मेरे पास। इससे जगह 889 है मेरे पास वेटिंग सर। तो जैसे कल तो मैं सुबह खोल ही पाऊंगा, तो कैसे हो पाएगा सर? शाम तक मुझे चाहिए, शाम तक मुझे चाहिए। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सुबह कर लेना, तो कल मैं सुबह में खोल लेता हूँ सर मैसेज का। हाँ खोल लो ना, नहीं तो मैं उसमें नहीं कर पाऊँ, क्योंकि जो पहले आएंगे मैं कैसे किसको बोलूंगा कि आपको नहीं, मैं आपके लिए इंतजार करूंगा। फिर बता रहा हूँ अगले दिसंबर के बाद मौका मिलेगा लाइव, फिर बीच में मौका नहीं मिलेगा सर, प्लीज सर। नहीं मैं उसमें कैसे करूंगा, मैं किसी को रोक नहीं पाऊंगा ना, जो आएंगे रिक्वेस्ट उसको तो मुझे लेना पड़ेगा ना आशीष। हाँ सर सर सही बात सर, आपकी भी एक जो है। हाँ मेरी भी एक लिमिटेशन है। हाँ हाँ वो है कि कोई निकल जाएगा तो उस समय कोई एंट्री कर लेगा, एक आध महीना में कोई निकलता है तो शायद आपको चांस मिल जाए, मैं शेयर कर दूंगा। मैं पहले से बता के रखा हूँ लोगों को, जो पुराने लोग हैं ना 150 लोग, मैंने सबको बोल दिया है कि जिसको कराना है पहले कर लो, मौका नहीं मिलेगा, जो एक बार निकला दोबारा चांस नहीं दूंगा किसी को। जी सर अब हाँ देखिए सर कोशिश करिए कल मैं खोल के। हाँ कल तो आप खोल दो, फिर मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन सुबह स्वाति से बात कर लो, है ना, और कर लो कंप्लीट अपना काम। जी सर क्योंकि जो चीजें मैं कंप्रोमाइज आपको मैं फ्री करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कर लो चाहिए। वो ऐसा कोई बंदा हो जो कहता है कि सर मैं पैसा नहीं दे सकता लेकिन ट्रेड करना चाहता हूँ, अगर संभव हो तो मैं करा दूंगा, मेरे पास जगह रहेगा फ्री में ज्वाइन कर लूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं। जी सर जी सर, पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग ना मेरे जैसे ट्रेडर बने। नहीं सर आपको मैं, अगर जो कोई बंदा ऐसा कह रहा है कि आप पैसे के लिए कर रहे हो बहुत गलत है, मैं आपके दिल से मैं आपको समझ गया हूँ सर, विश्वास करिए दिल की बात बताया। मैंने इसीलिए बोला कि पहले 2 महीना मुझे समझ लो, गलत चीजों में भड़कता भी बहुत हूँ मैं, ठीक है। हाँ, मुझे गलत चीजें बर्दाश्त नहीं हो पाता है, तो इसलिए वो उम्र का तकाजा है ना, अभी इस उम्र में नहीं हूँ कि मैं चीजें समझ लूँ यार माफ कर दूँ, नहीं होता है, पहले बोल दूं भले बाद में सॉरी बोल दूंगा, ठीक है। नहीं सर YouTube में बहुत वीडियो में देखा हूं, लेकिन आप जैसा बंदा मिलना मुश्किल है, मैं ये कह रहा हूं। चलो ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू डियर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो वरुण माइक ऑन करो, वरुण जल्दी। हाँ सर प्रणाम सर, नमस्कार। हाँ सर मैं बोलना चाह रहा था सर, जैसे आप स्ट्रेडल एक बोले कि स्ट्रेडल एक डाल देते हैं। हाँ। और सर मार्केट को एटलीस्ट हम 10 दिन से ये कर रहे हैं, जो आप जैसे बताए उसी हिसाब से। हाँ। और मैं काफ़ी पुराना हूँ, 2 साल से मार्केट का ये रख रहा हूँ, और काफ़ी लॉस भी कर चुका हूँ पहले। अच्छा। तो अपना व्यू, और एक सर शॉर्ट करते हैं हम, नोएडा में ही हम कर रहे हैं अभी प्रैक्टिस। हाँ। वो एक शॉर्ट भी करते हैं सर, तो मार्केट का व्यू आप जैसे 15 मिनट बोले कि आप देख के अपना कर सकते हैं, तो उस हिसाब से करते हैं तो सर हिट रहता है, वही सोचे कि सर एक बार नहीं क्या है। मैं 15 मिनट के हमेशा नहीं बोलता हूँ,
जैसे कल के लिए मैं नहीं बोला, अगर अभी वीडियो देखोगे आप तो पता नहीं, चले। नहीं सर आप 15 मिनट मतलब हम देखते हैं सर, और मार्केट को देखते रहते हैं, प्रीवियस लो प्रीवियस। एक बार बताओ आपने पूरा 40 डेज क्लास नहीं की हो, मैं गारंटी साथ बोल सकता हूँ आपको। नहीं नहीं सर मैं वो नहीं बोल रहा, मैं 40 नहीं, पहले पहले फिर वही मैं जो बोल रहा हूँ वो बोलो। आपने 14 डेज क्लास की लेक्चर लिया कंप्लीट सर? कंप्लीट पूरा लिया? पूरा सर। तो मैंने जो बताया नहीं, पहले सारा चीज हम सारा चीज ध्यान रखते हैं सर, लेकिन मतलब हम बोल रहे हैं कि जैसा करते हैं मतलब उस हिसाब से मार्केट को हम पकड़ ले रहे हैं, मतलब ट्रेड को पकड़ रहे हैं, मतलब ये मेरा कहने का भी है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम नहीं है सर, मतलब अच्छा हो रहा है, मतलब यही। तो फिर सवाल क्यों कर रहे हैं ये भगवान? नहीं सर मतलब एक ट्रेड सही चल रहा है। जी सर सही चल रहा है सर, प्रॉफिट आ रहा है, डेली प्रॉफिट आ रहा है। तो जो लॉजिक है ना उसी लॉजिक में करो, पूछ के ना और डिस्टर्ब मत हो जाना, ठीक है? नहीं नहीं सर डिस्टर्ब नहीं, ठीक बच गया, नहीं तो मैं कुछ और बोल दिया होता। अच्छा किया। नहीं नहीं सर, नहीं सर, शुक्रिया, थैंक यू। अरे यार दिमाग में ना सवाल रहता है तो मेरे को लगता है कुछ बंदा बोलो। सचिन, कुछ सचिन जी बोलिए प्लीज। नमस्ते। हेलो सर। हाँ नमस्कार सर। पहले तो एक्चुअली हमारे कलीग अभी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना, रंजीत या जो उनको तकलीफ हो रही है सेंसिबल में, तो उसका उनको आंसर दे देता हूँ, मेरा भी वही एक्सपीरियंस था। तो पहले तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि रीअरेंज ऑर्डर करके करना पड़ता है। इसमें पहले सेल को ऊपर लेके जाना पड़ता है, बाय को नीचे करना पड़ता है, जैसे आपने बताया। यस यस। और वो होने के बाद भी एक बार दो बार इशू आता है तो उसमें करना ये है कि फिर से रिट्राई करना है। अच्छा। रिट्राई करने से हो जाएगा, और वर्स्ट केस सिनेरियो उसको लिमिट ऑर्डर क्या होता है ना सर, जब हम उसको इन द मनी करते हैं ना तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ पे लिमिट ऑर्डर चलता है बहुत टाइम। हाँ तो मैं तो क्या करता हूँ उसको क्लिक करके ना जो ऑप्शन आता है बिल्कुल मार्केट ऑर्डर करके करता हूँ, कई बार मेरा भी नहीं होता है तो फिर उसको जाकर मार्केट ऑर्डर कर देता हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और मान लीजिए कि नहीं हुआ तो वहाँ पर क्या कैंसिल ऑर्डर में चले जाता है मेरे ऑर्डर में जीरोधा का, फिर वहाँ जाके उसी ऑर्डर को तुरंत में डाल देता हूँ, तो मुझे दिक्कत नहीं होता क्योंकि मैं यूज्ड टू हूँ। Correct, लेकिन correct. जो नए उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, और दो तीन रुपए मेरे लिए ज्यादा फर्क पड़ता नहीं तो चलता है, मैं उसको एडजस्ट कर लेता हूं, लेकिन लड़के लोग शायद ना कर पाए। सही बात है सर। दूसरा चीज सभी आपसे यही बोल रहा था कि मैंने आपका तो लाइफ ज्वाइन कर लिया है जी। और उसमें रहता भी हूँ, और आई मस्ट से कि उससे तो काफी फायदा हुआ है। लास्ट दो दिन से तो मैंने प्रॉफिट अच्छा ही आया है, स्पेशली मैंने रिलायंस का ट्रेड लिया था उसमें, आज मैंने ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज बुक किया है। अरे तो थैंक यू वेरी मच। और दूसरा चीज ये है कि मैं तो यूरोप में रहता हूँ, स्वीडन में रहता हूँ मैं। अभी भी वहीं से यहाँ? हाँ अभी भी वहीं से, मैं रोज सुबह 4 बजे उठ के टर्मिनल खोल देता हूँ। क्या बात है यार, अच्छा लग रहा है। हम तो यार इंटरनेशनल हो गए सचिन जी। यस सर, वेरी मच वेरी मच। और नहीं वही बताना था कि एक्चुअली कभी इंडिया आऊंगा अभी दिसंबर में वगैरह, तो पता नहीं अगर आपसे मुलाकात हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। सर, मैं टाइम निकाल के आऊंगा। एक्चुअली मैं रायपुर में था। मैं आई वाज पार्ट ऑफ वन ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया था आईटी में। अच्छा। वहाँ पे आपका कोई एक बड़ा सोयाबीन का वो कुछ है, मल्टी तेल वेल निकालते हैं, पोल्ट्री फार्म वगैरह है। ओके। तो वहीं पे था मैं कुछ टाइप, तो इट्स अ नाइस सिटी, कैपिटल है, इट्स अ नाइस सिटी। तो आऊंगा मैं, अगर आपसे मिलना हुआ तो डेफिनेटली बात करेंगे। जरूर, मोस्ट वेलकम सर, आगे बताइएगा जरूर मुझे, ठीक है? यस ओके सर, थैंक यू, शुक्रिया सर, थैंक यू सचिन जी, थैंक यू। हाँ दिनेश जी बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते सर, मैंने एक दिन आपसे बात किया था, तो मैंने पीएफ अप्लाई किया, क्योंकि चेक पुराना था तो शायद आजकल नहीं चलता, तो मैंने अप्लाई किया, नया चेक आया, फिर लगा तो आज ही रिक्वेस्ट किया मैंने पीएफ का। तो अब कितने दिन में आएगा सर? 3-4 दिन मुश्किल लगता है, मुझे लगता है मंडे को आएगा, सैटरडे को आ जाए। तो मंडे को लाइव कर पाएंगे कि नहीं ये नहीं पता सर। सर सर देखो, अभी ज्वाइन करो, लाइव तो 2-3 दिन के बाद ही होगा। मैं तो पहले ज्वाइन करते ही उस दिन बोल दूंगा ट्रेड करो मत, सिर्फ देखो आज, तो एक दो दिन फेमिलियर होने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? जी जी जी। तो बस डोंट वरी, आप ज्वाइन करो पहले। दूसरा चीज सर, वो अकाउंट वाला था तो आपने बोला मिसलीडिंग होगा, तो मैं चूंकि आज बिजी था तो मैं वो मैम से बात नहीं। आप लोग ना देखो, ये बड़े कंपनियां ना सर अपने पॉलिसी पे इतना स्ट्रिक्ट होते हैं ना सर, उससे क्या होता है ना हमारा टर्मिनेशन हो जाएगा, इसलिए मैं बोलूंगा ही नहीं कि कभी अकाउंट बंद करो, और फिर क्योंकि मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे आप तो वो मेरे ऊपर आ जाएगा कि सर इसने मिसलीडिंग किया है। मैं सर आप स्टॉक में खोल लेता हूँ, आपने उसके लिए भी मना कर दिया था। किसी के लिए करो ना सर, लेकिन ना अकाउंट बंद करके अकाउंट फिर मेरे लिंक में मत करना, फिर वो मिसलीडिंग में। मेरा आप स्टॉक में अकाउंट नहीं है। हाँ तो कर लो ना सर प्लीज, तो कर लो ना सर। हाँ हाँ बेशक बेशक करो।
हाँ ठीक है सर, कल इवनिंग तक मुझे देना है, 5 बजे तक मैंने मेल कंफर्मेशन डाल दिया है, जैसे मैं आज ही रात में खोल लेता हूँ। अब जैसे भी करो, अगर कल शाम तक मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। सर प्लीज रिक्वेस्ट है, देख लेना। नहीं मैं मैंने बोला सर, मैंने कल ही बोला, टाइम सबको दिया हूँ, क्योंकि अब सर अगर एक दो रहते ना तो मैं वेट भी कर लेता। 889 लोगों का वेटिंग है सर। तो सर वो अप्लाई कर लूंगा, जो उसका फॉर्म मिलेगा सर वो तो मेल कर सकता हूँ आपको, क्या आपको अप्लाई? अब ना फॉर्म भी नहीं है, अब जो फॉर्म है सारे फॉर्म बंद हो गए हैं, रिक्वेस्ट एक अलाउड नहीं होगा। आज 5 बजे तक टाइम था। नहीं वो फॉर्म तो मैंने कल दे दिया है सर, उसमें यस किया हुआ है मैंने। अभी जो रिक्वेस्ट करूँ, आपने कुछ कह रहे हैं मेल किया ना, तो मेल के थ्रू भेज दूंगा कि मैंने अकाउंट अप्लाई किया है। अरे वो तो कर दोगे, मैं यूजर आईडी में, मैंने यूजर अब यो सबको मेल कर दिया हूँ शाम तक मैं। आप मुझे डायरेक्टली मेरे मेल में, डायरेक्टली मेरे मेल में अपने यूजर आईडी भेज देना, यूजर आईडी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भेज देना कन्फर्मेशन के लिए। यूजर आईडी में सर 2-3 दिन लगाते हैं ना सर, सेम डे में दे देते नहीं सर। मोबाइल नंबर तो होगा, जैसे आप अप्लाई करोगे यूजर आईडी जनरेट हो जाता है, वो मुझे पता चल जाता है, जो अप्लाई करते हैं तुरंत मेरे पास मैसेज आ जाता है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है आप कर दो। अब स्टॉक का था जरूरत नहीं आता है सर। दूसरी चीज ये बोलनी थी कि मैंने काफी चीजें तो पढ़ा, लेकिन जो मार्केट का एक स्ट्रक्चराइज जो होता है और स्ट्रक्चर में जो नॉलेज मिलती है सर, वो द बेस्ट रहा सर। हेड्स ऑफ यू, आपको सलूट है सर, बहुत अच्छा नॉलेज मुझे मिला। शुक्रिया सर, थैंक यू। तो इस थैंक यू सो मच सर, इस इतने अच्छे नॉलेज के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। बोलो निरंजन जी, अरे सवाल बढ़ते जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। निरंजन बोलिए। हां नमस्कार। नमस्ते। मैं ये जानना चाह रहा था सर, जो SBI ब्लू चिप का मेरा चल रहा है, मतलब अभी जमा होना बंद हो गया है, मैं उसको निकालना चाह रहा था। क्यों आवश्यकता है? हाँ तो निकालो फिर, उसमें क्या आवश्यकता है, तो फिर मैं बोलूँगा तो कौन सा मान जाओगे आप? नहीं नहीं, मतलब वो 13-14 से मतलब स्टार्ट था। हाँ कितना फंड होगा अभी उसमें? 1000 का प्रीमियम था मंथली। अच्छा तो ठीक है, 1.5 लाख होगा और क्या। ठीक है निकाल लो, क्या है जरूरत है तो फिर तो निकालना पड़ेगा ना, कैसे करोगे? लेकिन मुझे लगता है ना म्यूचुअल फंड वगैरह निकालना नहीं चाहिए, वरना रिटर्न ना उसका नहीं मिल पाता है। ब्लू चिप है, SBI का ब्लू चिप चाहे कोई भी हो, क्योंकि अभी ब्लू चिप सारे नीचे है ना, तो अभी तो नेगेटिव रिटर्न आएगा इस साल का। मेरे खुद का ब्लू चिप स्टॉक नेगेटिव में है अभी। चलो ठीक है, मुझे जानना चाह रहा था। ठीक, बोलिए विनोद सर। विनोद जी, विनोद महेश्वरी जी सर, माइक ऑन करिए। माइक 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 सर, मुझे अकाउंट ओपनिंग का कोई लिंक नहीं मिला सर, अभी तक मेल में मेरे को कोई भी नहीं मिला सर। मिशन 100 में तो, सर मैंने मिशन 100 में दिया है ना लिंक, मिशन 100 पे चेक करिए, मिशन 100 में नहीं, लेकिन वो लिंक ओपनिंग मतलब मुझे आपकी तरफ से कोई मेल नहीं है, मेल मिल रहा है ना, वो पूछ रहा हूं। नहीं तो कल आपने फॉर्म भरा था उसमें डाला था कि अकाउंट है? नहीं सर मैंने वो नया तो जो डाला ही नहीं उसका भेजा ही नहीं, तो आप क्या करो अकाउंट नंबर वो अकाउंट ओपन कर लो और भेज दो मेरे पास डायरेक्टली। अब स्टॉक में अकाउंट ओपन कर दो सर, जैसे भी करना है जहां भी करना है और ओपन कर लो और मुझे डायरेक्टली भेज दो। तो उसका लिंक आपके आपके नीचे मतलब आपके अंडर वाला का लिंक तो चाहिए ना सर मुझे? सर वो मिशन 100 में मैंने कल ही शेयर किया, देख लीजिए। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू, थैंक यू। बोलिए राजेश जी। या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, आपको पूछना था जो अकाउंट ओपनिंग में सर, एक तो अकाउंट का कस्टमर आईडी आपको देने का है और जो मोबाइल और ईमेल आईडी आप जो मांग रहे हैं वो अकाउंट में जो रजिस्टर्ड है वो देना है या आप रजिस्टर्ड वाला? मैंने बोला कि कोई यूजर आईडी भेज दो या फिर आप मोबाइल नंबर भेज दो या फिर आप ईमेल आईडी भेज दो। क्या होता है ना कोई दूसरा वाला नंबर भेज देता तो मुझे, क्योंकि मेल है बार बार थोड़ी भेजूंगा, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ मंगा लिया। कोई भी तीनों में से एक जो रजिस्टर्ड है, जो अकाउंट ओपन की हो वो रजिस्टर्ड वाला मुझे भेज दीजिए बस। मतलब जो अकाउंट ओपन में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया है वो भेजने का? वो भेजना जी। ठीक ठीक है, थैंक्स थैंक। बोलिए कुणाल। मैं ये सब कल ही कर दिया था लेकिन फिर से रिपीट हो रहा है। हाँ बोलिए। हेलो जी। सर जीरोधा में मास्क का ऑर्डर कैसे डालते हो? बता दूंगा कल, सैटरडे संडे का क्लास करूंगा, बता दूंगा। चलो ठीक। प्रशांत जी बोलिए। वाई कॉले प्रशांत,
नहीं है, चलो ठीक आगे बढ़ते। अल्पेश बोलो। हेलो। हाँ हेलो सर जी, प्रशांत जी बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, गुड इवनिंग। हाँ हाँ प्रशांत जी बोलिए, गुड इवनिंग। हाँ सर, मैंने अभी आपका ये 6 तारीख से ज्वाइन किया है सर, लेट हो गए। क्लास अभी ज्वाइन किए हैं आप? हाँ। ये जो फ्री क्लास चल रहा है इसको फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं? हाँ फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, देख रहा हूँ तो बहुत दिनों से महीनों से है। हाँ। लेकिन अभी आपने जो ऋषिकेश जाने के बाद जो आप अनाउंस किया, हाँ। तो हमारी भी उम्मीद जग गई कि वो कुछ ना कुछ कर सकेंगे जी, सर के साथ जी। तो सर अभी मैंने ज्वाइन किया और आज ही झीरोधा में मैंने अकाउंट खोला है। हाँ। तो मेरे को सर ये लाइव क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे ना? नहीं मिलेगा ये, क्यों सर? ऑप्शन ही नहीं है सर। सर 890 लोगों का है मेरे पास वेटिंग। लेकिन मैंने वो फॉर्म भी तो सब भर दिया ना सर। फॉर्म हम भर दो, मुझे अभी 42 दिन का, आप 40 दिन का लेक्चर ही ज्वाइन नहीं किया है। हाँ लेकिन सर थोड़ा सा ऐसा पहले सर देखो, पहले मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने कल नोटिफिकेशन भी डाला है, अकाउंट ओपन करोगे लाइव का एक्सेस नहीं मिल पाएगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं सर। मेरे पास 500 सीट है, मेरे पास केवल 500 है सर, और 890 लोग हैं, कहाँ से दूंगा सर? हाँ सर बराबर है, लेकिन सर आप अभी एक बात बोल रहे थे कि आपका अभी दिसंबर में ज्वाइन चालू होगा लाइव। अगले दिसंबर? अगले हो ना। तो सर तब तक तो आप चिंता क्यों कर रहे हो, फिर हम कर लेंगे उपाय कुछ। अभी नहीं होगा, अभी नहीं सर, कुछ ना कुछ ना, अभी नहीं होगा सर, अभी ना, मैं इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँ। पहले तो सर क्लास कर लीजिए, पहले 42 दिन का पूरा सर, पहले 40 दिन का पूरा क्लास आप लेक्चर देख लीजिए पहले। लेकिन आपने दिसंबर का कंडीशन डाला तो डर गए ना हम। तो सर सवाल ही नहीं है सर, जगह है तब ना करूंगा सर। हाँ अगर इसमें कोई लड़का निकल जाएगा कि सर मुझे नहीं चाहिए तो फिर आप आ जाना। अच्छा, ये जो मंथली वाले होंगे लड़के लोग, एक दो मंथ पे बोलेंगे कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, ट्रेड कर लूंगा, तो फिर आप आ जाइएगा। यस सर। लेकिन ये भी प्रॉब्लम है ना कि 450 लोगों का तो ईयरली सब्सक्रिप्शन आया है मेरे पास। हाँ एक मेरे को और पूछने का था, जैसा आपने वो डिस्काउंट अमाउंट डाला था बोला था, तो अभी मैंने मंथली का किया था सब्सक्रिप्शन, मालूम नहीं था, तो अभी वो पेंडिंग अमाउंट। अच्छा आप पहले से डाल दिए हो क्या? हाँ लेकिन वो मंथली का डाला था ना सर। अरे तो कम से कम वो जो है उसी को ईयरली कर लेना जब आपका मन शुरू होगा तो। हाँ ना लेकिन अभी वो पेंडिंग डिस्काउंट में करने का क्या कहता, पूरा ईयरली में करना। अकाउंट चाहिए तो फिर आप डिस्काउंट दे देंगे आपको। हाँ तो अकाउंट में आज खोला है ना सर। हाँ तो मुझे अकाउंट यूजर आईडी सेंड कर दीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ ओके सर, थैंक यू। अल्पेश? हाँ बोलो अल्पेश। हाँ सर, अभी किसी का सर जीरोधा में अकाउंट है, किसी का अपस्टॉक में है। तो सर एक उपाय ये है कि सर आप जीरोधा या अपस्टॉक से सर है ना कोड मांग सकते हैं, तो वो कोड हमको दे देंगे ना तो मतलब वो आपका रेफरल में कन्वर्ट हो जाता है सर। बिल्कुल नहीं करेंगे, ये मिसलीडिंग में आता है, बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा। हाँ हाँ तो वो कोई बात नहीं है, तो ये तरीका मेरे को पता है उसके लिए सर आपको पता है कि ऐसा है। नहीं सर अपने ना सर। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे सर, वो नहीं चाहिए अपने को। ठीक। हाँ हाँ ठीक, थैंक यू। बोलिए सच्चिदानंद क्या? हाँ सच्चिदानंद जी बोलो सर, जल्दी यादव जी फटाफट। नहीं हाँ सर। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलना ये था कि हमारा जीरोधा में है तो हम आपके साथ नहीं जुड़ पाए क्योंकि हम नया खोल नहीं पाएंगे। अरे सर तो उसमें मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए जीरोधा के अकाउंट नहीं चाहिए सर, डिस्काउंट के लिए जीरोधा चाहिए। अच्छा, आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अभी की इसके पहले कोई पूछ रहे थे तो आपने कहा कि नहीं हो नहीं पाएगा तुम सुनने। अरे सर वो नया ओपन करेगा, वो जगह ही नहीं है मेरे पास। तो अच्छा, आप लोग भी जो रिक्वेस्ट मुझे भेजे हैं सर, सब लाइव थोड़ी में आ पाएंगे क्योंकि उतना तो मेरे पास सीट ही नहीं है। नहीं तो हम लोग तुम्हारे लिए पहले से आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। क्लास ज्वाइन किए हैं सर, उसमें क्राइटेरिया डिसाइड कर रहा हूँ मैं जी। मैंने पहले वहाँ क्राइटेरिया डिसाइड कर रहा हूँ कि भाई एक तो सबका क्लास पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, जो फॉर्म में सबमिट किया हो ना आप लोग, डिक्लेरेशन फॉर्म जो जमा किए हो, फिर मैं उसमें कैपिटल देख रहा हूँ कैपिटल कितना है। किसी का एक लाख ही उसके नीचे है तो फिर कैपिटल को ब्लैंक छोड़ दिया है। ठीक है, कोई वहाँ पर एक्स्ट्रा मैसेज लिख दिया है। ओके तो ऐसे काम नहीं चलेगा, तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। नहीं कल हमने आपसे बताया था कि 175 हमारे पास है, तो आपने कहा कि 2500 डाल दीजिएगा तो डाल देंगे। तो सर उसके बात नहीं है सर, पहले ये तो देखो कि आप मैं कर पाऊंगा कि नहीं सर। आप ना, मैं आप लोगों से एकदम क्षमा चाहूंगा कि मेरी भी व्यथा को समझिए जी सर। आप लोग 3500 लोग ज्वाइन हो, मेरे पास जगह है 500। ठीक।
तो ऐसा इसका मैं बोला कि अगर नहीं हो पाएगा तो भी हताश होने की जरूरत नहीं है, जो मैं ट्रेड करता हूँ ऑलरेडी मैं शेयर करता हूँ आप लोगों को जी, तो मैं ट्रेड में शेयर कर दूंगा और शाम को भी लाइव आऊंगा तो आधा घंटा इसके बारे में बात कर दूंगा, तो आप लोगों की चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कोई कोई स्पेशल व्हाट्सएप नहीं करेंगे ना, मैं व्हाट्सएप में मैसेज करता हूँ किसी को। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग लाइव में नहीं आ पाओगे तो भी चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो ग्रुप है उस ग्रुप में शेयर कर दूंगा ट्रेड का लॉजिक। ठीक है, चलिए, थैंक यू। बिल्कुल एक कदापि मत सोचिएगा कि सर हम लाइव में ज्वाइन नहीं हो पाए, हमको सर ने नहीं किया, नहीं, मेरी अपनी एक मजबूरी है, अगर आप समझदार हो तो समझ जाओगे और नहीं समझेंगे उसको मैं तो नारियल तो फोड़ूंगा तो भी नहीं समझना है जी। बोलिए गेरा जी, कृष्ण गेरा, नमस्कार सर। नमस्ते, बोलिए। हेलो, हाँ नमस्ते, बोलिए बोलिए। सर जैसे कल आपसे बात हुई थी, मेरा अकाउंट उसमें जिरोदा में पहले से खुला हुआ है, आपने कहा था, मैंने बताया था कि रेफरल मैंने किया था किसी का, उसका मैंने आज आईडी वगैरह और नाम वगैरह आपको व्हाट्स कर दिया है, आपको भी और स्वाति जी भी, ठीक है, डोंट वरी, हो जाएगा उसका। लेकिन अभी लिंक तो वो मेल तो कोई भी नहीं आया था मेरे पास। मेरे अभी क्या है सर, मैंने बोला है, मैसेज भी लिखा है, कल इवनिंग में मैं आप लोगों को सबको शेयर करूंगा, पहले स्क्रूटनी तो करो, मुझे भी तो टाइम लगेगा ना सर, मेरे पास 800-900 लोगों का अगर डेटा आ जाएगा तो मेरे पास एक बंदा है करने वाला, ठीक है, और मैं अपना शेड्यूल तो भी आपको बताया, आपने देखा ना। हाँ जी, हाँ जी, तो मेरे शेड्यूल तो खाने तक कुछ टाइम ही, ठीक है सर, ओके, मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मैसेज कर दिया, स्वाति जी को मैसेज कर दिया। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ प्रमोद बोलिए। हाँ नमस्ते सर जी। नमस्ते। मैंने तो फॉर्म भर दिया जो गूगल कंफर्मेशन ही मुझे आ गया है। हाँ भर के। हाँ का ईमेल आपके तरफ से अगर कोई भेजा हो तो वो मुझे अभी तक नहीं मिला है। मिल जाएगा, डोंट वरी, मिल जाएगा ना। हाँ ठीक, ओके, थैंक यू। हाँ राजीव, चलो लास्ट, आज सुबीर बचा है। हाँ हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए सर। मैंने ऐप स्टॉक से खोल लिया है, अभी अकाउंट वही खोल रहा था, मैं आपकी बातें भी सुन रहा था, खोल भी लिया है मैंने। हाँ भेज दीजिए, तो आपको नंबर वगैरह उसके जो मोबाइल नंबर वो भेज दो, ईमेल आईडी। हाँ भेज दीजिए, भेज दीजिए, ठीक है सर, ये बोल। हाँ और सब्र रखिएगा, आपको सबको मिल जाएगा कंफर्मेशन। बोले सुबीर दास। नमस्कार सर। नमस्ते, धन्यवाद सर, आपने इतना दिन से हम लोग को अच्छा क्लास दिया, अच्छा सिखाया, बाकी अगर ज्वाइन की कंफर्मेशन मिल जाए तो डबल धन्यवाद। कंडीशन अप्लाइड, अगर आप मुझे लाइव ज्वाइन कर लिए तो हम आपको डबल धन्यवाद देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। है लाइव के लिए तो बोल रहा हूँ सर, लाइव ज्वाइन का अगर कंफर्मेशन मिल जाए तो अच्छी बात है। चलो देखेंगे किसकी नसीब है। आप भी सर फोर्स में थे क्या सर, पहले आप नौकरी फोर्स में करते थे क्या? हाँ भाई, मैं भी अभी एक सर्विसमैन हूँ आर्मी से। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, मैं इंटेलिजेंस में था, यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़। अच्छा अच्छा, ठीक, थैंक यू, अच्छी बात है, धन्यवाद। ओके विजय झा, सॉरी यार मैं तुमको बोल दिया, ठीक है, चलो तो आज के लिए यहीं तक। यूट्यूब तर वालों क्या देखूं भाई, सवाल करो यहाँ, ये भी भेजा तो यूट्यूब वाले में क्या सवाल है, यूट्यूब में सवाल ही नहीं किया। क्या नाम है टोटल गेम्स, एक तो अपना नाम ठीक नहीं रखते हो, वीक में एक डे फ्री करो, अरे फ्री कहाँ से करूं भाई साहब, एक महीने दो महीने फ्री चलाए समझ में नहीं आया। यूजर आईडी तुरंत आ जाता है, अरे कुछ भी, अब इसको यूट्यूब में फ्री चाहिए, YouTube में फ्री नहीं कर सकते, वहाँ पर ना वो बड़े बड़े होशियार लोग आ जाते हैं। चलिए थैंक यू, ओके झाजी नमस्ते, बाय बाय, बुरा नहीं मानना है, कल फिर क्लास ज्वाइन करना, ठीक नहीं होगा नहीं तो बता रहा हूँ। चलो ठीक, शुभ रात्रि सभी लोगों को, नमस्ते।